आगे सबक देखिए भाई। वल मुरादु बिफ़िअलिल फ़ाइलि फ़िअलु निअतु बिरा इस्नादुहु इला मा हुवा फ़ाइलुन हकीकतन औ हुक्मन फ़खरज बिही मिस्लु ज़ैदुन फ़ी ज़ुरिबा ज़ैदुन अला सीगतिल मजहूली फ़इन्नहु लम युतबर इस्नादुहु इला फ़ाइलिही ولا يشكل بمثل اعطي زيد درهما فانه يصدق على درهما انه وقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر اسناد الفعل اليه فان مفعول ما لم يسمى فاعله في حكم الفاعل। गुज़श्ता सबक में हम वो आखिरी मकाम पढ़ रहे थे जहां पर मफ़ूल मुतलक के फेल को हज़फ करना वाजिब है, और साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ये वो मफूल मुतलक है जो तस्निया वाक़े हो और इसकी इजाफत अपने फाइल या मफूल की तरफ हो रही हो, और नीज ये तस्निया बतलाने के लिए न हो बल्कि तकरार और कसरत के लिए लाया गया हो। तो इस किस्म का जो मफूल मुतलक है उसके आमिल फेल को हजफ करना वाजिब है, जैसे लब्बई का और सादई का। हाजी कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो माना क्या है कि ए अल्लाह मैं मुसलसल और बार बार आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं ताकि आपके अहकामात की तामील करूं, और मैं अपनी जगह से हटूंगा नहीं, मुसलसल आपके अहकामात की तामील में लगा रहूंगा। तो ये लबैक असल में था उलिब्बू लका इल्बाबैनी, फिर इसमें से उलिब्बू फेल को हजफ कर लिया गया तो बाकी रह गया लका इल्बाबैनी, फिर इसमें से इल्बाबैन जो सुलासी मजीद फी से था इसमें से जवायद को खत्म करके इसको सुलासी मुजर्रद की तरफ लौटा दिया गया तो लब्बैन हुआ। तो इबारत क्या बाकी बच गई, लका लब्बैनी, फिर इस लका में से लाम जार्रा को हजफ कर दिया गया और लब्बैन की इजाफत कर दी काफ जमीर की तरफ तो नून इजाफत से गिर गया तो लब्बैक रह गया। और नीस इसी तरह सादैक भी है, सादैक का माना साहिब जामी ने बयान किया था उस ईदू का इसादन बाद इसादिन, तो यानी मैं मुसलसल आपकी मदद करता रहता हूं, मैं मुसलसल आपकी मदद में लगा रहूंगा। तो यहां पर यह भी कसरत बयान करने के लिए है। तो असल में यह क्या था, उस ईदू का इसादैनी, फिर उस ईदू फेल को हजफ कर लिया गया और इस मफूल मुतलक से जवाइद खत्म करके ये जो काफ जमीर थी मफूल बिही की उसकी तरफ इजाफत कर दी गई तो सादैक हुआ भाई। और फिर साहिब जामी ने यह भी बतलाया था आपको कि ये उलिब्बू के अंदर लका लाम जार्रा लेकर आए थे उसको मफूल पर दाखिल किया था, वजह यह कि वो फेले लाजिम है, जबकि जबकि ये असायद युसईदु ये फेले मुतादी है, ये बराहे रास्त मफूल को नसब दे सकता है, लिहाजा इसके लिए लाम जार्रा लाने की कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद फिर हमने मफूल बिही के बारे में पढ़ना शुरू किया था। साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि मफूल बिही वो उस चीज का नाम है जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो, कि मफूल बिही उस चीज का नाम है जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो भाई। और साहिब जामी ने आपको बतलाया कि फेल के वाके होने से मुराद यह है कि फेल का उसके साथ ताल्लुक हो बगैर हर्फ जर के वास्ते के, यानी बिला वास्ता हर्फ जर के फेल का उसके साथ ताल्लुक हो। बात समझ में आ रही है, तारीफ क्या की मफूल बिही की, कि मफूल बिही उस चीज का नाम है जिस पर फाइल का फेल वाके हो भाई। वाके होने का क्या मानना, तो साहिब जामी ने बतलाया कि वाके होने से मुराद यह है कि फेल का उसके साथ बिला वास्ता हर्फ जर के ताल्लुक हो भाई। लिहाजा अब इया का नाबुदु या दाउतुल्लाह जैसे एतराजात खत्म हो गए, इसलिए क्योंकि तारीफ क्या की थी कि फाइल का फेल उस पर वाके हो, और इया का नाबुदु यहां पर तो नाबुदु का फेल इया का पर वाके नहीं है भाई, क्योंकि इबादत अल्लाह पर वाके नहीं है बल्कि इबादत का अल्लाह से ताल्लुक है, इबादत अल्लाह के लिए की जाती है। और इसी तरह दाउतुल्लाह मैंने अल्लाह से दुआ की, तो यहां पर भी लफ्ज अल्लाह मफूल भी ही है। और साहिब काफिया ने तो क्या तारीफ की कि फाइल का फेल उस पर वाके हो, और हालांकि हमारी ये दुआ अल्लाह पर वाके नहीं है, हां इस दुआ का अल्लाह से ताल्लुक है, यानी अल्लाह से ये दुआ मांगी जा रही है। तो वाके होने से क्या मुराद है कि फेल का उसके साथ ताल्लुक हो बिला वासिता हर्फे जर के।
और इस तकरीर से मा जरबतु जैदन जैसा इश्काल भी खत्म हुआ। मा जरबतु जैदन, मैंने जैद की पिटाई नहीं की। अब इस जुमले के अंदर यह जैदन मंसूब है, और क्यों मंसूब है? मा जरबतु जैदन, क्योंकि यह मफूल भी ही है, तो जैदन तो मफूल भी ही है। हालांकि आपने हमें क्या बताया, मफूल भी ही किसे कहते हैं? जिस पर फाइल का फेल वाके हो। और यहां पर तो मुतकल्लिम क्या कह रहा है, मा जरबतु जैदन, मैंने जैद की पिटाई नहीं की, मालूम हुआ उस पर जरब वाके नहीं है। तो साहिब जामी ने बतला दिया कि भाई वाके होने से मुराद फेल का ताल्लुक है, और फिर ताल्लुक होना आम है, चाहे फेले मुस्बत का ताल्लुक हो चाहे फेले मनफी का ताल्लुक हो, तो यह भी इसके अंदर दाखिल हो गया। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ताल्लुक अव्वली मुराद है, ताल्लुक अव्वली मुराद है, जो यानी अव्वलन जहन के अंदर आता है भाई, यानी जिसके बगैर उस चीज का ताकुल ही ना हो सके। अब देखो फेल का ताल्लुक तो हाल के साथ भी होता है, फेल हाल को भी नसब देता है, फेल का ताल्लुक मुस्तस्ना से भी होता है, और इसी तरह फेल का ताल्लुक तमीज से भी होता है, लेकिन वो ताल्लुक अव्वली नहीं। ताल्लुक अव्वली का क्या माना, कि फेल का उसके बगैर ताकुल ही ना हो सके, फेल उसके बगैर आपको समझ में ही ना आ सके, और हालांकि हाल तमीज और मुस्तस्ना उसके बगैर भी फेल समझ में आता है। ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद की पिटाई की, देखो ना यहां पर हाल है ना मुस्तस्ना है ना तमीज है, कोई चीज भी नहीं है, और बात हमें पूरी समझ में आ रही है, ज़रबतु ज़ैदन, कि मुतकल्लिम ने जैद की पिटाई की है। बात समझ में आ गई? तो ताल्लुक अव्वली मुराद है, और ताल्लुक अव्वली का क्या माना, कि फेल उसके बगैर समझ में ही ना आ सके। अब यहां पर देखो ज़र्ब का जिक्र है, ज़रबतु ज़ैदन ज़र्ब का जिक्र है, और ज़र्ब के लिए जैसे ज़ारिब का होना जरूरी है, मज़रूब का होना भी जरूरी है, बगैर मज़रूब के ज़र्ब का ताअक्कुल ही नहीं हो सकता। आप मफूल को लफ्जों में जिक्र करें या ना करें, इससे कोई असर नहीं पड़ता। यह जो ज़र्ब का फेल है यह अकल में आता ही नहीं जब तक इसके लिए किसी मज़रूब का तस्वूर भी ना आए। आप सिर्फ यूं कह दें ज़रबा ज़ैदुन, आपने मफूल को लफ्जों से हजफ कर लिया, लेकिन सुनने वाला यह आपका कलाम सुनते ही समझ जाएगा कि मालूम हो आपने जब ज़र्ब लगाई है तो कोई मज़रूब भी है जिस पर ज़र्ब वाक़े हुई है। आप कहते हैं अकल तो मैंने खाया, क्या खाया ये आपने बेशक जिक्र नहीं किया, लेकिन सुनने वाला समझ जाता है कोई चीज होगी जो खाई होगी भाई। आप कहते हैं शरीब तो मैंने पिया, आपने बेशक आगे कोई मशरूब जिक्र नहीं किया, लेकिन सुनने वाला फौरन समझ गया कि आपने कोई चीज पी है भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा यह है ताल्लुक अव्वली, यानी फेल का उसके बगैर, फेल उसके बगैर समझ में ही ना आए भाई। और फिर साहिब जामी ने बतलाया था कि ये जो मा वका अलैह की कैद आई कि उस पर फाइल का फेल वाके हो, इसके जरिए बाकी चारों मफूल इस तारीफ से निकल गए। तारीफ किसकी की जा रही है? मफूल बिही की, तो बाकी मफाइल को इस तारीफ से निकलना चाहिए, तो वो इस मा वका की कैद के जरिए निकल गए। इसलिए क्योंकि जब ये कहा कि फाइल का फेल उस पर वाके हो तो मफूल फी निकल गया, क्योंकि फाइल का फेल उस पर वाके नहीं होता बल्कि उस में वाके होता है। वका फी ही, वहां फी ही लेकर आते हैं कि उसके अंदर वाके है। और इसी तरह मफूल लहू भी निकल गया, या जैसे ज़रबतुहु तादीबन, मैंने जैद की पिटाई की अदब सिखाने के लिए, यह तादीबन भी निकल गया, इसलिए क्योंकि यह ज़र्ब का फेल इस तादीब पर वाके नहीं है बल्कि वका लहू, इसकी वजह से यह ज़र्ब का फेल हुआ है, अदब सिखाने के लिए फिर ज़र्ब का फेल किया गया है। इसी तरह मफूल माहू भी निकल गया, जैसे आप कहते हैं जाअनी ज़ैदुन व अमरन, मेरे पास ज़ैद आया, व अमरन ऐ मा अमरिन, किसके साथ आया? अमर के साथ। तो ये वो बमाने मा के बाद जो अमरन आ रहा है ये मफूल माहू है, इसलिए क्योंकि जो मफूल माहू होता है इसके बारे में नहवी हजरात ये नहीं कहते कि वका अलैहिल फेलु, के फेल उस पर वाके है, बल्कि इसके बारे में क्या कहते हैं, वका माहुल फेलु, इसके साथ फेल वाके हुआ है, फाइल ने इसके साथ मिलकर यह फेल किया है। और नीज मफूल मुतलक भी खारिज हो गया,
भाई वो मफूल मुतलक कैसे खारिज हुआ? कहते हैं जब इन्होंने कहा कि मफूल बिही वो है जिस पर फाइल का फेल वाकया हो, मालूम हुआ फाइल का फेल और चीज है और जिस पर वाकया हो रहा है वो और चीज है, वो एक ही चीज नहीं है, क्योंकि कोई चीज अपने ऊपर तो वाकया नहीं हो सकती, कोई चीज होगी वो दूसरी चीज पर वाकया होती है, तो मालूम हुआ जो चीज वाकया हुई वो फेल वो और चीज है और जिस पर वाकया है वो और चीज है, और हालांकि मफूल मुतलक वो तो फेल से कोई गायर चीज नहीं होती, वो तो ऐन फेल ही का नाम है भाई। मफूल मुतलक तो ऐन फेल का नाम है। तारीफ क्या की थी? अल मफूल उल मुतलक हुस्मु मा फालहु फिअलुल फाइली, जिसको फाइल के फेल ने किया हो भाई, तो वो फाइल का फेल जो है वो मफूल मुतलक होता है। और मफूल बिही में क्या कहा? फाइल का फेल उस पर वाके हो, मालूम हुआ फेल और चीज है और जिस पर वाके है वो यानी मफूल बिही और चीज है, मालूम हुआ ये मफूल बिही मफूल मुतलक नहीं है, क्योंकि मफूल मुतलक फेल से मुगायर और अलग नहीं होता, वो तो आयन फेल होता है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए आज का सबक भाई, कहते हैं वल मुरादु बिफ़िअलिल फ़ाइलि फ़िअलुन उतबिरा इस्नादुहु इला मा हुवा फ़ाइलुन हकीकतन औ हुक्मन। भाई तारीफ देखिए मतन के अंदर कि मफ़ऊल बिही हुआ मा वक़ा अलैहि फ़िअलुल फ़ाइलि, मफ़ऊल बिही उस चीज का नाम है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, जिस पर। बाद शारहीन ने यहां एतराज किया और उन्होंने कहा कि मतन के अंदर ये जो फाइल का लफ्ज़ साहिबे काफिया लेकर आए, इसके लाने की कोई हाजत नहीं थी, ये कहने की जरूरत नहीं थी कि जिस पर फाइल का फेल वाके हो, बल्कि सिर्फ इतना कह देते कि मफूल बिही वो है जिस पर फेल वाके हो, मफूल बिही वो है जिस पर फेल वाके हो। तो देखो मालूम हुआ ये फाइल का लफ्ज मतन के अंदर जायद आ गया भाई। तो साहिब जामी अब जवाब देंगे साहिब काफिया की तरफ से कि नहीं भाई, ये फाइल का लफ्ज यहां बेकार नहीं है, ये फाइल का लफ्ज ये बतलाने के लिए लाया गया है कि मफूल बिही के साथ जिस वक्त फेल का ताल्लुक हो रहा हो उस वक्त फाइल को भी होना चाहिए, जिस वक्त फेल वाके हो रहा हो किस पर, मफूल बिही पर, तो उस वक्त वहां फाइल का भी जिक्र होना चाहिए। साहिब जामी इसको यूं जिक्र करेंगे कि जब मफूल बिही पर फेल वाके हो रहा हो तो उस वक्त फाइल की तरफ इसनाद भी मोतबर हो भाई, उस वक्त भाई जाराबा जैदुन अमरान, तवज्जो है जाराबा जैदुन अमरान, ये जैद क्या है? फाइल, और अमरान क्या है? मफूल बिही। इस मफूल बिही की बात हो रही है, मफूल बिही किसे कहते हैं? जिस पर फाइल का फेल वाके हो। भाई ये फाइल का फेल कहने की क्या जरूरत थी? सिर्फ ये कह देते जिस पर फेल वाके हो। कहते हैं ये कैद इसलिए बढ़ा दी साहिब काफिया ने, बतलाना ये चाहते हैं कि जिस वक्त मफूल बिही के साथ फेल का ताल्लुक हो रहा हो उस वक्त इसी फेल का इसनाद फाइल की तरफ भी हो रहा हो, उस वक्त इस फेल का इसनाद यानी ये इसनाद भी मोतबर हो भाई, फेल का फाइल की तरफ इसनाद भी मोतबर होना चाहिए। और फाइल की तरफ इसनाद कब मोतबर होगा? जब फाइल मौजूद होगा, जब फाइल मौजूद होगा तो फेल का उसकी तरफ इसनाद भी होगा, जब इसनाद होगा तो फिर उसका पे एतबार भी करेंगे, अगर फाइल ही नहीं है तो एतबार कैसे करेंगे उसका? तवज्जो है, मैंने आसान लफ्जों में बता दिया कि ये फाइल के लफ्ज को साहिब काफिया ने क्यों जिक्र किया तारीफ के अंदर, ये बतलाने के लिए कि जिस वक्त फेल का ताल्लुक उस मफूल बिही से आ रहा है, जिस वक्त वो फेल मफूल बिही पर वाके हो रहा है, ऐन उसी वक्त फेल का जो इसनाद हो रहा है फाइल की तरफ वो भी होना चाहिए, वो भी मोतबर होना चाहिए, और वो तभी मोतबर होगा ना जब फाइल मौजूद हो, जब फाइल होगा तो फेल का उसकी तरफ इसनाद भी होगा, जब इसनाद है तो अब आप उस इसनाद का भी एतबार करेंगे, अगर फाइल ही नहीं है तो इसनाद का एतबार कैसे करेंगे भाई? मालूम हुआ कि मफूल बिही वो है जिस पर फेल वाके हो और ऐन उसी हालत में फेल के लिए फाइल भी जिक्र किया गया हो, चाहे वो फाइल हकीकी हो चाहे फाइल हुक्मी हो, चाहे वो फाइल हकीकी हो चाहे फाइल हुक्मी हो। फाइल हुक्मी से क्या मुराद है? मफूल मालम युसम्मा फाइलुहू। आप जानते हैं कभी कभार फेल मजहूल ले आते हैं तो फिर फाइल को हजफ करके वो जो मफूल बिही था उसको उसका नाइब बना देते हैं, जैसे जुरीबा जैदुन, तो ये जैदुन क्या है?
नायबुल फाइल है, मफूल मालम युसम्मा फाइलहू है, और बाज नहवी हजरात तो इसको फाइल ही कहते हैं, वो कहते हैं ये भी हकीकतन फाइल ही है, जबकि जमहूर क्या कहते हैं कि फाइल और चीज है और नायबुल फाइल और चीज है। फाइल जो है वो हकीकतन उस फेल को करने वाला है और नायबुल फाइल उस फेल को करने वाला नहीं है, हां ये उस फाइल का नायब बन गया है, तो ये हुक्मन फाइल है, हकीकतन फाइल नहीं बल्कि हुक्मन। तवज्जो है, बास की बार उलमा तो नायबुल फाइल को भी फाइल ही कहते हैं, लेकिन आम उलमा फर्क करते हैं कि जो फेल को करने वाला है वो हकीकतन फाइल है, और ये नायबुल फाइल ये फाइल की जगह आया है लेकिन हकीकतन फाइल नहीं है, ये हुक्मन फाइल है। हुक्मन फाइल का क्या माना, इसको फाइल वाला हुक्म दे दिया गया, तो बाकी तमाम अहकामात में ये फाइल की तरह ही है। तो बात क्या चल रही थी कि मफूल बिही किसे कहते हैं, जिस पर फाइल का फेल वाके हो, तो एतराज हुआ कि ये फाइल का लफ्ज बेकार ले आए साहिब काफिया, तो साहिब जामी बता रहे हैं कि नहीं ये बेकार लफ्ज नहीं लाए, साहिब काफिया ये बतलाना चाहते हैं कि जिस वक्त फेल मफूल बिही को नसब दे रहा हो, यानी यूं कहें वो फेल जो मफूल बिही को नसब दे रहा है उसका इसनाद जो फाइल की तरफ है वो भी मोतबर हो, भाई उसका भी एतबार किया जाए, उसका इसनाद जो फाइल की तरफ हो रहा है उसका भी एतबार किया जाए, और फाइल की तरफ फेल के इसनाद का एतबार कब किया जाएगा, जब फाइल मौजूद होगा, जब फाइल मौजूद होगा तो उसकी तरफ इसनाद भी होगा और वो मोतबर भी होगा, अगर फाइल ही मौजूद नहीं है तो इसनाद का एतबार कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई, और फाइल जो है वो चाहे वो फाइल हकीकतन फाइल हो चाहे हुक्मन फाइल हो, यानी चाहे फाइल हो चाहे नायबुल फाइल हो, दोनों में से किसी एक की तरफ फेल का इसनाद होना चाहिए। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा ये फेलुल फाइल की कैद की वजह से जुरीबा जैदुन जैसा एतराज भी अब तारीफ पर नहीं हो सकता और उतिया जैदुन दिरहमन जैसा एतराज भी नहीं हो सकता। देखिए ये किताब में मिसाल देखिए जरा भाई, कहते हैं जैदुन फी जुरीबा जैदुन, इबारत मिल गई। ये इश्काल होता था तारीफ पर, इश्काल ये कि आपने हमें क्या कहा कि मफूल बिही उसे कहते हैं जिस पर फाइल का फेल वाके हो, तो इसमें जुरीबा जैदुन, ये जैदुन भी तारीफ के अंदर दाखिल हो गया, जुरीबा जैदुन ये भी तारीफ के अंदर दाखिल हुआ क्योंकि इस पर भी जर्ब का फेल वाके हुआ है, हालांकि बिल इतफाक ये मफूल बिही नहीं, बिल इतफाक ये मफूल बिही नहीं, भाई फाइल का फेल इस पर वाके तो हुआ है लेकिन इसको मफूल भी ही नहीं कहते क्योंकि फेल मजहूल का इसकी तरफ इसनाद हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, मफूल मालम युसम्मा फाइलहू कहते हैं या नायबुल फाइल कहते हैं, मफूल भी ही तो मंसूब होता है। तो इश्काल क्या होता था कि आपकी तारीफ मानिअ नहीं दुखूल गैर से, आपने कहा मफूल बिही वो है जिस पर फाइल का फेल वाके हो, तो जुरीबा जैदुन के अंदर ये जो जैदुन आया ये भी आपकी तारीफ में दाखिल हो गया क्योंकि इस पर भी जर वाके हुई है, इसको भी मफूल बिही कहना चाहिए, हालांकि ये तो मफूल बिही नहीं है, ये तो नायबुल फाइल है, ये तो मफूल मालम युसम्मा फाइलहू है, मफूल बिही तो मंसूब होता है। बात समझ में आ गई, तो मालूम हो आपकी तारीफ दुखूल गैर से मानिअ नहीं। दूसरा इश्काल यह होता है, उतिया जैदुन दिरहमन, जैद को दिरहम अता किया गया, असल में मसलन क्या था, अअतैतु जैदन दिरहमन, आपको मैंने बतलाया था कि बाबे अअतैतु दो मफूल चाहता है, अअतैतु जैदन मैंने जैद को अता किया, और क्या चीज अता की वो भी आगे चाहिए, अअतैतु जैदन दिरहमन, मैंने जैद को एक दिरहम दिया, तो जैदन मफूले अव्वल है और दिरहमन मफूले सानी, फिर अअतैतु फेल से फेल मजहूल बना लिया गया और फाइल को हजफ कर दिया गया तो उतिया फेल हुआ, और जब फेल मजहूल बनाया जाए तो मफूल बिही को नायबुल फाइल बनाते हैं, तो जैदुन जो मफूल अव्वल था उसको नायबुल फाइल बना दिया गया, तो कलाम क्या बन गया, उतिया जैदुन दिरहमन। ये मिसाल देख रहे हैं किताब में भाई, एक सतर के बाद है, उतिया जैदुन दिरहमन, तो उतिया फेल मजहूल है, जैदुन ये इसका नायबुल फाइल है और ये दिरहमन ये मफूल भी ही है। अब तारीफ पर इश्काल ये होता है, आपने हमें क्या कहा, आपने हमें क्या कहा कि मफूल भी ही किसे कहते हैं जिस पर फाइल का फेल वाके हो, कहते हैं तो यहां तो ये दिरहमन ये बिल इतफाक मफूल भी ही है, लेकिन ये इस तारीफ से निकल गया क्योंकि आपने तारीफ क्या की कि मफूल भी ही किसे कहते हैं जिस पर फाइल का फेल वाके हो, और दिरहमन पर जो उतिया फेल वाके हो रहा है वो फाइल का फेल नहीं है बल्कि उतिया जैदुन, वो ये तो जैद यानी नायबुल फाइल का फेल है, किसका फेल है,
नायबुल फाइल यानी मफूल मालम युसम्मा फाइलहू का फेल इस पर वाके हो रहा है। इश्काल समझ में आया? तो ये दिरहमन ये बिल इतफाक मफूल भी ही है, लेकिन आपने क्या कहा कि मफूल भी ही किसे कहते हैं? जिस पर फाइल का फेल वाके हो, तो ये तो तारीफ से निकल गया, तो आपकी तारीफ जामे अभी नहीं। आपकी तारीफ जामे अभी नहीं, माने अभी नहीं। जामे क्यों नहीं? क्योंकि उतिया जैदुन दिरहमन, ये दिरहमन निकल गया क्योंकि इस पर फाइल का फेल वाके नहीं हो रहा, बल्कि इस पर मफूल मालम युसम्मा फाइलहू का फेल वाके हो रहा है। और आपकी तारीफ माने अभी नहीं, इसके अंदर जुरीबा जैदुन के अंदर ये जो जैदुन है ये दाखिल हुआ क्योंकि इस पर फेल वाके हो रहा है, इस पर फेल वाके हो रहा है, हालांकि बिल इतफाक ये मफूल भी ही नहीं, क्योंकि मफूल भी ही तो मनसूब होता है। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि भाई ये जो हमने तकरीर की वो तकरीर ले लीजिए तो सारे इश्कालात खत्म हो जाएंगे। हमने क्या तकरीर की कि जिस फेल का मफूल बिही से ताल्लुक हो उसी फेल का फाइल की तरफ इसनाद भी मोतबर हो, यानी उसका फाइल भी वहां होना चाहिए। आसान लफ्जों में यूं कहो कि मफूल बिही अलग हो और फाइल अलग हो भाई, यानी मफूल बिही से उस फेल का ताल्लुक अलग हो और फाइल या नाई फाइल की तरफ उसका इसनाद अलग हो। अब जुरीबा जैदुन तारीफ से निकल गया, इसलिए क्योंकि जुरीबा जैदुन इसमें ठीक है, जैद पर जर्ब वाके तो है, जैद पर जर्ब वाके तो है, तो अगर आप इसको मफूल भी ही कहते हैं तो हमने क्या कहा वो फेल कैसा होना चाहिए कि उसका इसनाद फाइल या नाई फाइल की तरफ भी अलग से होना चाहिए। तो अगर आप इसको मफूल भी ही कहना चाहते हैं तो फाइल की तरफ इसनाद की दर है, और अगर आप इसको नायबुल फाइल करार देते हैं तो फिर मफूल भी ही की दर है भाई। बात समझ में आ गई? तो एक वक्त में एक चीज हो सकती है, तो जबकि मफूल भी ही में क्या जरूरी है कि जिस फेल का उसके साथ ताल्लुक हो उसी फेल का इसनाद फाइल की तरफ भी हो रहा हो। तो यहां पर अगर आप जुरीबा जैदुन आप इस जैद को दाखिल करना चाहते हैं तारीफ में यह कहकर कि इस पर फेल वाके हुआ है, तो फिर इस फेल का इसनाद फाइल की तरफ कहां है भाई? हमने कहा वो भी मोतबर होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं इसी की तरफ जो इसनाद हो रहा है ये फाइल हुक्मी है क्योंकि ये नायबुल फाइल है, तो फिर मफूल भी ही की दर है, उसके साथ फेल का ताल्लुक अलग होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और नीज उतिया जैदुन दिरहमन ये मिसाल भी तारीफ के अंदर दाखिल हो गई। आपने तो कहा था ये दाखिल नहीं हो रही, कहते हमारी तकरीर लेने फिर ये तारीफ के अंदर दाखिल हो गई। हमने क्या तारीफ की कि जिस फेल का ताल्लुक मफूल बिही से है उस फेल का इसनाद फाइल की तरह भी मोतबर हो, और वो फाइल होना आम है, चाहे हकीकतन फाइल हो चाहे हुक्मन फाइल हो। हुक्मन फाइल में कौन आ गया? मफूल मालम युसम्मा फाइल हो। तो यहां पर भी दिरहमन पर उतिया फेल वाके है, और यह फेल किसका है? जैद का है। जैद हकीकतन फाइल तो नहीं लेकिन हुक्मन फाइल है। तो जिस वक्त उतिया का ताल्लुक दिरहमन से हो रहा है उसी वक्त उतिया का जो इसनाद हो रहा है जैदुन की तरफ वो भी मौजूद है, वो भी मोतबर है भाई। तो लिहाजा दिरहमन क्या हुआ? तारीफ के अंदर दाखिल हो गया। लिहाजा कहते हैं जब हमारी ये तकरीर आप ले लेंगे तो वो इश्काल भी खत्म हो गया जो बाज़ उलमा ने किया है कि तारीफ के अंदर जो जिक्र किया गया मा वका अलैही फ़िअलुल फ़ाइली कि ये फाइल का लफ्ज़ तो बेकार है, तो कहते हैं अब हमारी तकरीर से आपको पता चल गया कि यह फाइल का लफ्ज़ बेकार नहीं है, बल्कि यह सिर्फ यह बतलाने के लिए लाया गया है कि वो फेल जो जिसका ताल्लुक मफूल बिही से हो रहा है उस फेल का इसनाद फाइल की तरफ भी होना चाहिए, वो इसनाद मोतबर हो भाई। बात समझ में आ गई? हल हो गया? देखिए भाई कहते हैं वल मुराद बी फिअलिल फाइली, और फाइल के फेल से मुराद, ये जो मतन में आया ना फाइल का फेल, उससे मुराद जो है फिअलुनी अतुबिरा इसनादुहु, ऐसा फेल है कि मोतबर हो उसका इसनाद इला मा हुआ फाइलुन हकीकतन औ हुक्मन, उस चीज की तरफ जो फाइल हो हकीकतन या हुक्मन। उस फेल से वो फेल मुराद है जिसका इसनाद फाइल की तरफ मुतबर हो, चाहे फाइल हकीकी हो चाहे हुक्मी हो। फखरज बिही मिस्लु ज़ैदुन फी ज़ुरिबा ज़ैदुन अला सीगतिल मजहूली, तो इस कैद की वजह से ये जो कैद जिक्र की वका अलैही फ़िअलुल फ़ाइली, इस कैद की वजह से निकल जाएंगे ज़ैदुन जैसे लफ्ज भी जो ज़ुरिबा ज़ैदुन के अंदर आए हैं अला सीगतिल मजहूली की, किस हाल में कि यह मजहूल के सिगे पर है। फइन्नहू लम युअतबर इसनादुहु इला फाइलिहि, इसलिए क्योंकि यह जो फेल है इसकी इसनाद इसके फाइल की तरफ मोतबर नहीं, इसके फाइल की तरफ यहां इसनाद नहीं हो रही,
क्योंकि फाइल वो तो जा चुका है, इस मफूल ने इसकी जगह ले ली है। तो आप ठीक है, फेल इस पर वाकई तो है, लेकिन फेल का इस्नात इस वक्त जुरीबा जैदुन, जिस वक्त जुरीबा का ताल्लुक किससे आ रहा है, जैद से आ रहा है, क्या अलग इस्नात फाइल की तरफ हो रहा है? नहीं, क्योंकि फाइल तो जा चुका है, जैदुन ने उसकी जगह ले ली है। भाई बात समझ में आ गई? तो बेशक इस पर फाइल का फेल वाकई है, लेकिन इस फेल का इस्नात इस वक्त किसी फाइल की तरफ नहीं हो रहा, बल्कि वो तो खुद इसी की तरफ हो रहा है। भाई आगे देखिए, कहते हैं वला युशकलु बिमिस्लि उतिया ज़ैदुन दिरहमन, और नीज इश्काल नहीं किया जाएगा उतिया ज़ैदुन दिरहमन जैसी मिसालों के जरिए। जी वला युशकलु, इसका अतफ है फखराजा बिही पर, कि फेल से क्या मुराद है, वो फेल जिसका इस्नाद फाइल की तरफ मुतबर भी हो तो उससे ये जुरीबा ज़ैदुन जैसी मिसालें भी निकल जाएंगी। वला युशकलु बिमिस्लि उतिया ज़ैदुन दिरहमन, और इस जैसी मिसालों को लेकर इश्काल और एतराज भी नहीं किया जा सकता। भाई फइन्नहु यस्दुकु अला दिरहमन, इसलिए क्योंकि दिरहम पर यह बात सादिक आती है कि अन्नहु वका अलैहि फिअलुल फाइलिल हुक्मी, कि इस पर वाकई हो रहा है फाइल हुक्मी का फेल। फाइल हकीकी का फेल तो नहीं वाकई हो रहा दिरहम पर, लेकिन फाइल हुक्मी का फेल वाकई हो रहा है। कौन सा फाइल हुक्मी? अल मुअतबरी इस्नादुल फिअल इलैही, कि उसकी तरफ फेल का इस्नाद मुअतबर भी है। उतिया ज़ैदुन दिरहमन, यहां फाइल हुक्मी कौन? तवज्जो है उस मिसाल पे नजर रखें, उतिया ज़ैदुन दिरहमन, यह दिरहमन मफूल भी ही है और इस पर उतिया का फेल वाकई हो रहा है, और ये उतिया फेल किसका है? उस फाइल हुक्मी का फेल है, वो जो जैद है, ये उस फाइल हुक्मी का फेल है कि जिसकी तरफ फेल का इस्नाद मुअतबर भी है, यानी फेल का इस्नाद उसकी तरफ हो भी रहा है। भाई और यहां ये इबारत को देखें, भाई फइन्नहु यस्दुकु अला दिरहमन अन्नहु वका अलैहि फिअलुल फाइलिल हुक्मीयिल मुअतबरी इस्नादुल फिअल इलैही। याद रखो, इसमें यह फिअल मुजाफ है और अल फाइल मुजाफुन इलै, और आगे अल हुक्मीयी और अल मुअतबरी, ये दोनों सिफतें हैं फाइल की। वो फाइल जो हुक्मी है, यानी फाइल हकीकी नहीं, नाइबुल फाइल है, और अल मुअतबरी ये सिफतें सानी है फाइल के लिए। तो अल हुक्मी और अल मुअतबर ये दोनों मजरूर होंगे, क्योंकि इनका मौसूफ मजरूर है। लेकिन फिर याद रखना, ये जो अल मुअतबर है, ये सिफत बिहाल मुतअल्लिक ही है, यानी लफ्जों में तो ये सिफत है फाइल की, लेकिन माना के एतबार से ये इस्नादुल फिअल इलल फाइल की। देखो अल मुअतबर ये इसमें मफूल है, और इसके लिए नाइबुल फाइल चाहिए, वो नाइबुल फाइल आगे इसमें जाहिर आ रहा है, इस्नादुल फिअल इलैही, कि उस फाइल की तरफ फेल का इस्नाद जो है। तो तर्जमा क्या हुआ कि वाकई हुआ है उस पर फिअलुल फाइलिल हुक्मी, ये उस फाइल हुक्मी का फेल, अल मुअतबरी इस्नादुल फिअल इलैही, कि जिसकी तरफ उस फेल का इस्नाद मुअतबर है, वो फाइल के जिसकी तरफ उस फेल का इस्नाद मुअतबर है, यानी वो फाइल भी वहां मौजूद होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बतलाना मकसद ये था कि ये अल मुअतबर ये सिफत बिहाल मुतअल्लिक ही है, और आगे जो इस्नादुल फिअल इलैही आ रहा है, ये इसका नाइबुल फाइल है। बात समझ में आ गई? तो यह माना है फइन्नहु यस्दुकु अला दिरहमन, इसलिए क्योंकि दिरहमन पर यह बात सादिक आती है कि अन्नहु वका अलैहि फिअलुल फाइलिल हुक्मीयिल मुअतबरी इस्नादुल फिअल इलैही, कि इस पर वाकई हुआ है उस फाइल हुक्मी का फेल, अल मुअतबरी इस्नादुल फिअल इलैही, कि जिसकी तरफ फेल की इस्नाद मुअतबर है, यानी उसका भी एतबार किया गया है। फइन्ना मफूल मालम युसम फाइलुहु फी हुक्मिल फाइली, इसलिए क्योंकि मफूल मालम युसम फाइलुहु जो है वो भी फाइल के हुक्म में होता है। वह भी मा ज़करना, और ये जो हमने जिक्र कर दिया, यानी जो तकरीर हमने कर दी, ज़हरा फाइदतु ज़िक्रिल फाइली, तो इससे तारीफ के अंदर जो फाइल का लफ्ज आया था, उस लफ्ज फाइल को जिक्र करने का फायदा भी जाहिर हो गया। तो कहते हैं वह बीमा जकरना जहारा फाइदतु ज़िक्रिल फाइली, और वो जो हमने जिक्र कर दिया, इससे फाइल के जिक्र का फायदा भी जाहिर हो गया। फला यरिदु, लिहाजा ये एतराज वारिद नहीं होता कि अन्नहु लौ काला मा वका अलैहिल फिअलु लकाना अखसारा,
कि अगर मातिन जो हैं वो मा वाका अलैहिल फ़िअलु कह देते और फाइल को जिक्र न करते लकाना अख़सारा, तो ये कलाम ज्यादा मुख्तसर होता और बेहतर होता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ये एतराज भी नहीं हो सकता। नहवु ज़रबतु ज़ैदन, जैसे ज़रबतु ज़ैदन, फ़इन्ना ज़ैदन क़द वक़ा अलैहि बिला वासितति हर्फिल जर्री, इसलिए क्योंकि जो ज़ैद का लफ्ज है इस पर वाक़े हुआ है बिला वासिता हर्फ जर के। भाई क्या वाक़े हुआ है? कहते हैं फ़िअलुनी उतुबिरा इस्नादुहु इलल फ़ाइली, ऐसा फ़िअल जिसका इस्नाद उसके फ़ाइल की तरह मुतबर है, वो फाइल अल्लज़ी हुआ ज़मीरुल मुतकल्लिमी, जो मुतकल्लिम की जमीर है। ज़रबतु ज़ैदन, तवज्जो है, ज़रबतु ज़ैदन, इसमें ज़ैदन पर यह ज़रबतु का फेल वाक़े हुआ है बगैर किसी हर्फ जर के वास्ते के, और यह ज़रबतु ऐसा फेल है कि जिसका इस्नाद इसके फाइल की तरह भी मुतबर है और वह मुतकल्लिम की जमीर है। आगे देखिए, कहते हैं वक़द यतकद्दमुल मफ़ूल बिही अलल फ़िअली, और कभी कबार मफ़ूल बिही मुकद्दम हो जाता है फेल पर, वो फेल अल आमिली फीही, जो उसके अंदर अमल कर रहा है, लिकुवतिल फ़िअली फिल अमली, बवजह फेल के अमल के अंदर कवी होने के। फेल कवी आमिल है भाई, फेल अपने मा बाद में भी अमल करता है और अपने से मा कबल में भी अमल करता है। और नीज याद रखना ये इसमें फाइल इसमें मफूल भी इसी तरह है भाई। तो कहते हैं लिकुवतिल फ़िअली फिल अमली, बवजह फेल के अमल के अंदर कवी होने के, फयामल फीहि मुतकद्दिमन व मुतअख्खिरन, तो फेल उस मफूल बिही के अंदर अमल करता है मुतकद्दिमन, इस हाल में कि वो मुकद्दम हो, व मुतअख्खिरन, और इस हाल में कि वो मुअख्खर हो, इम्मा जवाज़न। अब आपको बताएंगे कि भाई ये जो मफूल बिही को फेल पर मुकद्दम किया जाता है ये कभी जवाजन होता है, कभी वजूबन होता है, और कभी मुमतनेअ होता है, यानी उसको फेल पर आप मुकद्दम कर ही नहीं सकते। तवज्जो है, साहिब काफिया ने क्या कहा कि मफूल बिही को कभी फेल पर मुकद्दम किया जाता है। साहिब जामी बताएंगे कि मफूल बिही को फेल पर मुकद्दम करना कभी जायज होता है, आप मुकद्दम करें या ना करें जायज है, और कभी यह वाजिब होता है, आपको हर हाल में उसको मुकद्दम ही करना पड़ेगा, और बाज औकात कोई मानेअ आ जाता है तो वहां फिर मफूल बिही को फेल पर मुकद्दम करना मुमतनेअ होता है। तीनों जिक्र करेंगे। कहते हैं इम्मा जवाजन, या तो यह मुकद्दम करना जवाजन होगा, मिसलु मिसाल के तौर पर अल्लाह आबुदु, ये अल्लाह, ये लफ्ज़ अल्लाह मफूल बिही मुकद्दम है और आबुदु फेल है। असल कलाम यूं था आबुदुल्लाह, लफ्ज अल्लाह मुअख्खर था, तो माना क्या होगा आबुदुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं। आबुदु फेल, अना ज़मीर फाइल, और लफ्ज अल्लाह मनसूब है, मफूल भी ही है, मैं अल्लाह की इबादत करता हूं। लेकिन इससे और चीजों की इबादत की नफी नहीं हुई, तो लिहाजा मफूल भी ही को मुकद्दम कर दिया गया, तो क्या बन गया अल्लाह आबुदु। और आपने जाब्ता पढ़ा है तकदीमु मा हक्कुहु ताखीरु युफीदुल हसरा वल कसरा व तखसीसा, कि वो चीज जिसको मुअख्खर करना चाहिए था उसको जब मुकद्दम कर दिया जाए तो वह हसर कसर और तखसीस का फायदा देता है। और तखसीस किसे कहते हैं कि मजकूर के लिए एक चीज का इस बात हो तो गैर मजकूर से उसकी नफी हो जाए, तो अब यहां तखसीस आ गई अल्लाह आबुदु, मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूं, मालूम हुआ किसी और चीज की इबादत नहीं करता। देखा यहां अल्लाह के लिए इबादत का इस्बात है तो बाकी सबसे इबादत की नफी हो गई, यह है तख़सीस भाई। इसी तरह आप कहते हैं ज़रबतु ज़ैदन, क्या तर्जमा, मैंने ज़ैद की पिटाई की, और ज़ैदन को मुकद्दम कर दें ज़ैदन ज़रबतु, अब क्या माना मैंने ज़ैद ही की पिटाई की, मालूम हुआ अमर बकर की पिटाई नहीं की भाई। तो कहते हैं इम्मा जवाजन, या तो यह मुकद्दम करना जवाजन होगा, मिसलु अल्लाह आबुदु, में अल्लाह ही की इबादत करता हूं, वजहल हबीब अतमन्ना, वजहल हबीब यह मफूल भी ही मुकद्दम है और अतमन्ना फेल है, वजहल हबीबी, हबीब का चेहरा यानी महबूब का चेहरा, अतमन्ना मैं उसकी तमन्ना करता हूं।
तो वजहल हबी मफूल भी ही है, इसको फेल पर मुकदम कर दिया गया, तो यहां तख्सीस आ गई। वजहल हबी भी अतमन्ना, मैं महबूब के चेहरे ही की तमन्ना करता हूं कि उसी की ज्यारत हो जाए, उसका दीदार हो जाए। वह इम्मा वजूबन, या वो मफूल भी ही को मुकदम करना वजूबन होगा। फीमा तजम्मना मानल इस्तेफामी अविशर्ती, ये उस मफूल भी ही के अंदर जो मुतजमिन हो इस्तेफहाम के माना को या शर्त के माना को। नहवो मिसाल के तौर पर मन रईता, मन रईता, जरा माना पे गौर करो, मन रईता क्या तर्जमा, आपने किसको देखा, तो ये मन क्या वाकई हो रहा है, माना पे गौर करो आपको बात समझ में आ जाएगी। मन रईता क्या बन रहा है, मफूल भाई, इसको जरा मुअख्खर करो, रईता मन, आपने देखा, मन किसको देखा, ये मफूल है लेकिन इसको मुकदम कर दिया गया क्योंकि इस्तेफहाम के माना पर मुश्तमिल है। मन रईता, आपने किसको देखा, और इस मन को मुकदम करना वाजिब है, ये मफूल भी ही है और इसको मुकदम करना वाजिब क्योंकि इस्तेफहाम के माना पर मुश्तमिल है और इस्तेफहाम सदारत कलाम को चाहता है ताकि कलाम के शुरू से ही सुनने वाले को पता चल जाए कि मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। अगर इस लफ्ज को आखिर में लाएंगे, इस्तेफहाम वाले लफ्ज को आखिर में लाएंगे, तो मुतकल्लिम इतनी तवज्जो ही नहीं करेगा कि आम सी बात चल रही है, आखिर में जाके उसको पता चलेगा ओहो ये तो मेरे से सवाल पूछा जा रहा था। लिहाजा ताकि मुतकल्लिम पूरी तरह मुतवज्जे हो जाए, शुरू से ही उसको पता चल जाए कि मुझसे कोई बात पूछी जा रही है, तो इस्तेफहाम वाले लफ्ज को शुरू में लाते हैं। तो मन रईता, ये मन क्या है, एराब क्या इसका, मनसूब महल्लन मफूल भी ही मुकदम, रईता फेल बा फाइल, ताजमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया हुआ क्योंकि इस्तेफहाम है। या शर्त हो जैसे वह मन तुकरिम युकरिम का, मन तुकरिम आप जिसका इकराम करेंगे, युकरिम का वो आपका इकराम करेगा। तो मन, मन ये शर्तिया है और ये मफूल भी ही मुकदम है। देखो माना पे गौर करो, तुकरिमु मन आप इकराम करेंगे, मन जिसका, देखा ये मफूल भी ही है भाई, तो लिहाजा इसको मुकदम कर दिया गया। मन तुकरिम, मन शर्तिया है, तवज्जो है, मन तुकरिम ये शर्तिया है, ये मफूल भी ही मुकदम है। तो तरकीब कैसे होगी, मन बोलो मफूल भी ही है भाई, मनसूब महल्लन मफूल भी ही मुकदम, तुकरिम फेल, अंता जमीर मरफू महल्लन इसके अंदर फाइल, फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फेलिया होकर शर्त, युकरिम का, युकरिम फेल इसके अंदर, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल और काफ जमीर मनसूब महल्लन मफूल भी ही, फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर जजा, और ये हुआ जमीर मन को राजे है, किसको राजे है, मन को। तो शर्त जजा मिलकर, और शर्त जजा मिलकर, हां जजाइया नहीं कहना भाई, जुमला शर्त जजा मिलकर जुमला शर्तिया हुआ भाई। कहते हादा इदा लम यकुम मानिउ मिन तकदीमी, ये उस वक्त है, यानी मफूल बिही का मुकदम करना फेल पर ये उस वक्त है, इदा लम यकुम मानिउ मिन तकदीमी, जब कोई चीज मानिअ ना हो उसको मुकदम करने से, वुकूही फी हय्यिज़ अन, जैसे कि मफूल बिही का वाक़े होना फी हय्यिज़ अन, हय्यिज़ का माना है जगह और मकान भाई, जैसे कि मफूल बिही का वाक़े होना फी हय्यिज़ अन, अन के हय्यिज़ में, अन के जगह में, अन की जगह यानी अन के तहत, अन के बाद वाक़े होना, अन जिन पर दाखिल हुआ है वो अन की जगह है, बात समझ में आ गई, तो ये अन की जगह में यानी अन के बाद वाके हुआ है। नहु मिसाल के तौर पर मिनल बिर्री, बिर्रुन नेकी को कहते हैं, मिनल बिर्री नेकी में से है, अंत कुफ्फ लिसाना का, कि आप अपनी जुबान को रोकें, आप अपनी जुबान को रोकें, यानी जुबान को रोकना और बेकार बातें न करना, ये किस में से है, नेकी में से है। तो मिनल बिर्री ये जार मजरूर आया, और आप जानते हैं जार मजरूर कभी भी मुस्नद इले नहीं बन सकते, यानी मुब्तदा नहीं बन सकते, बल्कि वो खबर बनेंगे, तो ये मिनल बिर्री खबर है मुकद्दम। और अंतकुफ लिसान का, कफ या कुफ फेल, अंत जमीर इसके अंदर
फाइल है बर्फू महलन, लिसाना का यह मुजाफ मुजाफिले मिलकर मफूल भी ही, फेल अपने फाइल और मफूल भी ही से मिलकर जुमला फिअलिया होकर अन की वजह से बतावील मुफरद यह मुबतदा मुअख्खर। यह अन क्या करता है, ये फेल पर दाखिल होता है, जुमले पर दाखिल होता है और उसको मस्तर के माना में कर देता है, यह अन मस्तरिया। तो अंतकुफ लिसाना का तो ये मस्तर के माना में हो गया, तो ये तकुफा किस माना में हुआ, कफ उनके माना में हो गया, ऐ कफ का लिसान का आपका अपनी जुबान को रोकना, ये है मुब्तदा मुअख्खर भाई। अब देखो बात ये चल रही है कि ये लिसान का ये मफूल भी ही है किसके लिए, तकुफो फेल के लिए, तवज्जो है तकुफु फेल के लिए। बतला ये रहे हैं साहिब जामी कि मफूल बिही को फेल पर मुकदम करना कभी जायज होता है और कभी वाजिब और कभी मुमतने होता है जब कोई मान्या आ जाए, और यहां पर ये अन आ गया। अब ये अन जो है ये लिसाना का को फेल पर मुकदम नहीं होने देगा, ये उसके लिए मान्या बन गया। ये क्या बन गया, उसके लिए मान्या बन गया। ये लिसाना का इसको आप तकुफा पर मुकदम कर दें और यूं कहें अन लिसाना का तकुफा, यूं भी नहीं कह सकते, और आप लिसाना को अन तकुफा सारे पर मुकदम कर दें और यूं कहें लिसाना का अन तकुफा, यह भी नहीं कह सकते। तवज्जो है, यह लिसाना का जो मफूल बिही है किस फेल का, तकुफु फेल का, कौन सा तकुफु फेल, जिस पर अन दाखिल है, तो ये जो फेल जिस पर अन दाखिल है इसके मफूल बिही को इस फेल पर भी मुकदम नहीं कर सकते और अन माल फेल पर भी मुकदम नहीं कर सकते। तवज्जो है भाई, याद रखो, याद रखो, एक कीमती नुकता मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि जिस तरह इसमें मौसूल होता है इसी तरह हर्फ मौसूल भी है। जैसे इसमें मौसूल के लिए हमेशा सिला चाहिए, अल्लाजी जाराबा का, ये अल्लाजी इसमें मौसूल है तो आगे जाराबा का ये उसके लिए सिला है, और मौसूल के लिए हमेशा क्या चाहिए, सिला। तो जैसे इसमें मौसूल के लिए हमेशा सिला चाहिए, इसी तरह कुछ हर्फ मौसूल भी हैं उनके लिए भी हमेशा आगे सिला चाहिए। और जैसे इसमें मौसूल का सिला हमेशा जुमला होता है, हर्फ मौसूल का सिला भी हमेशा जुमला होता है। और हर्फ मौसूल कौन से हैं, तीन हैं, वही हुरूफ मस्तर। हुरूफ मस्तर कौन कौन से, अन मा और अन्ना, अन मा और अन्ना। अन्ना ये वही अन्ना है जो हरूफ मुशब्बा बिलफेल में आपने पढ़ा है, इन्ना और अन्ना। तो ये जो अन्ना है ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, इसके लिए एक इसम चाहिए और एक खबर, तो ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और ये उसको मस्तर के माना में कर देता है। तो ये अन्ना क्या है, हरफ मौसूल, और आगे जिस जुमले पर ये दाखिल हुआ जिसको इसने मस्तर बना दिया वो इसका सिला है। तो ये अन्ना ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, जबकि अन और मा ये फेल पर दाखिल होते हैं, यानी जुमला फेलिया पर। जैसे यहां पर अन तकुफा, अन देखो फेल पर दाखिल है, और ये जो जुमला फेलिया है ये इस अन का सिला है। इसी तरह मा मस्तरिया वो भी फेल पर दाखिल होता है, तो वो जो फेल है वो अपने फाइल वगैरह से मिलकर वो उसके लिए सिला बनता है। तो जैसे इसमें मौसूल होता है इसी तरह हर्फ मौसूल भी आता है, और वो हर्फ मौसूल कौन कौन से हैं, अन अन्ना और मा, और इनमें फर्क क्या है, अन्ना उसके लिए जुमला इस्मिया सिला चाहिए और अन और मा के लिए जुमला फेलिया सिला चाहिए। और ये भी याद रखना कि ये हर्फ मौसूल और इसमें मौसूल में फर्क यह है भाई, हर्फ मौसूल के लिए भी सिला चाहिए, इसमें मौसूल के लिए भी सिला चाहिए, लेकिन दोनों में फर्क यह है, दोनों में फर्क यह है कि इसमें मौसूल का जो सिला होता है उसका इसमें मौसूल के साथ रबत जरूरी होता है, तो उसके अंदर एक जमीर होनी चाहिए जो इसमें मौसूल की तरफ लौटे। इसमें मौसूल का जो सिला होता है चाहे जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया, उसके अंदर एक जमीर चाहिए जो किसकी तरफ लौटे, इसमें मौसूल की तरफ, जबकि हर्फ मौसूल के अंदर कोई जमीर नहीं चाहिए जो इसको हर्फ के साथ जोड़ दे, इसलिए क्योंकि जमीर हर्फ की तरफ राजिअ नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, तो जिस तरह तवज्जो से सुनो भाई, इसमें मौसूल है इसी तरह हर्फ मौसूल भी है, और इसमें मौसूल के फौरन बाद क्या चाहिए, सिला। मौसूल और सिले के दरमियान फसल जायज नहीं, कि आप मौसूल और सिले के दरमियान कोई और चीज ले आए, कोई और लफ्ज जिक्र कर दें, यह जायज नहीं।
तो इसी तरह हर्फ मौसूल के अंदर भी हर्फ मौसूल और सिले के दरमियान फसल जायज नहीं। लिहाजा जरा इबारत पर नजर रखें, मीनल बिर्री अंतकुफा लिसाना का, यह अन क्या है हर्फ मौसूल और यह तकुफा यह फेल क्या है इसका सिला है। अगर आप लिसाना को तकुफा पर मुकदम करते हैं, अन और तकुफा के दरमियान लिसाना को ले आए तो क्या खराबी लाजिम आई, हर्फ मौसूल और उसके सिले के दरमियान फसल आ गया, हालांकि हर्फ मौसूल और उसके सिले के दरमियान फसल जायज नहीं। और अगर आप ये जो लिसाना का मफूल भी ही है इसको अन तकुफा सारे पर मुकदम कर दें, भाई आप कहते हैं भाई सिर्फ तकुफा पर हम मुकदम नहीं कर सकते, तो चलो सारे पर मुकदम कर देते हैं, ये अंतकुफा से पहले ले आते हैं लिसानक और यूं कह देते हैं लिसानक अंतकुफा, कहते हैं ये भी जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं। वजह क्या, या तो यूं कह लो कि ये अन ने तकुफा को मस्तर के माना में कर दिया और मस्तर हामिल ज़ईफ है, वो अपने मा बाद में तो अमल करता है, अपने से माकबल में वो अमल नहीं कर सकता, तो फिर लिसानक को यह अंतकुफा नसब नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई। या दूसरे लफ्जों में यूं कहो, दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि ये जो अन है ये है मौसूल और तकुफा है उसका सिला, और सिला कभी मौसूल पर मुकदम नहीं हो सकता। मालूम हो ये तकुफा अन पर मुकदम नहीं हो सकता। जब ये तकुफा अन पर मुकदम नहीं हो सकता तो लिसाना का बतरीके औला अन पर मुकदम नहीं हो सकता। क्यों, देखो तकुफू है आमिल, ये लिसाना का मामूल है, इसको नसब किसने दिया तकुफू ने, तो तकुफू हुआ आमिल और लिसाना का है मामूल, तो जब ये तकुफा अन पर मुकदम नहीं हो सकता यानी सिला, सिला मौसूल पर मुकदम, तो जब तकुफा जो सिला है यानी जो आमिल है वो अन पर मुकदम नहीं हो सकता, तो उसका जो मामूल है वो बतरीके औला अन पर मुकदम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। और यहां एक और बात भी याद रखना, एक तो कीमती नुकता यह हमेशा याद रखना कि जैसे इसमें मौसूल होता है इसी तरह हर्फे मौसूल भी होता है, और इसमें मौसूल के लिए जैसे हमेशा सिला चाहिए हर्फे मौसूल के लिए भी हमेशा सिला चाहिए, और वो तीन है अन्ना अन और मा। इनमें फर्क क्या है, अन्ना जुमला इस्मिया उसका सिला चाहिए और अन और मा उसके लिए सिला जुमला फेलिया चाहिए, और नीज ये भी याद रखना मौसूल सिले के दरमियान फसल नहीं हो सकता। अब यहां ये सिला का लफ्ज आया, सिला का लफ्ज याद रखना नहव के अंदर तीन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, सिला स्वाद के साथ है सिला, एक तो सिला का लफ्ज ये मौसूल के सिले के लिए आता है, चाहे इसमें मौसूल हो चाहे हर्फ मौसूल, जो इनके साथ जो इनका सिला होता है वो उस पर सिला का लफ्ज बोला जाता है, और नीज ये सिला का लफ्ज जायद के लिए भी आता है, किसके लिए जायद के लिए, ये मैं पहले भी बयान कर चुका कि कुरान के अंदर जो लफ्ज जायद आए यानी अपने माना का फायदा नहीं दे रहा उसको जायद नहीं कहते बल्कि उसको सिला कहते हैं बतौर अदब के, इसलिए क्योंकि जायद कहो तो फिर तो यूं मालूम होता है जैसे ये लफ्ज बिल्कुल ही जायद है बेकार है, हालांकि कुरान में ऐसा कोई लफ्ज नहीं। तो जायद का माना क्या होता है, जो लफ्ज जायद होता है कलाम अरब में वो बिल्कुल बेकार और जायद नहीं होता बल्कि वो कलाम में हुसन भी पैदा करता है और ताकीद भी। जैसे मैं कहता हूं जैदुन लई सभी इंसानिन, जैदुन लई सभी इंसानिन, ये भी इंसानिन ये लईसा की खबर है और लईसा की खबर मंसूब होती है, तो यूं कहना चाहिए था जैदुन लईसा इंसानन, लेकिन इस पर कभी बा जारा जायद ले आते हैं, तो ये जो बा जारा है ये जायद है, जैदुन लईसा भी इंसानिन के अंदर ये जो बा जारा है ये जायद, जायद होने का क्या माना, ये अपने माना का फायदा नहीं दे रही, भाई बात तो कई मानी के लिए आती है, कभी बात सबब बताने के लिए आती है, कभी इस्तेआनत के लिए आती है, कभी इल्साक के लिए आती है, मुख्तलिफ मानी के लिए, तो ये अपने माना का फायदा नहीं दे रही, लेकिन इसका ये माना भी नहीं कि ये बात बिल्कुल जायद है बल्कि ये कलाम में हुसन भी पैदा कर रही है और नीज ये कलाम में ताकीद और जोर भी पैदा कर रही है, भाई जब यह हुसन भी पैदा कर रही है और कलाम के अंदर ताकीद और जोर भी पैदा कर रही है तो फिर इसको जायदा क्यों कहते हैं, भाई जायदा का माना यह है अपने माना का फायदा नहीं दे रही, बा को तो कलाम में हुसन बढ़ाने के लिए नहीं वजा किया गया, बा को तो कलाम के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए नहीं वजा किया गया,
बात समझ में आ गई। इसके तो अपने अलग और मानी हैं, ये अपने माना में से किसी का फायदा नहीं दे रही, इसलिए इसको जायद कहते हैं। लेकिन यही इसी तरह का कोई हर्फ कोई लफ्ज कुरान में आ जाए तो वहां फिर जायद का लफ्ज भी नहीं बोलते बल्कि क्या कहते हैं, सिला है, और माना वही होता है, माना वही है जायद के। लेकिन सिला का लफ्ज बतौर अदब कह दिया, इसलिए क्योंकि लफ्ज जायद बोले तो जहन में अव्वलन यूं जहन में आती है बात, शायद ये बिल्कुल ही बेकार और जायद है। तो कुरान में जब हर्फ जायद आए तो क्या लफ्ज बोलते हैं, सिला, कि यह सिला है। तो सिला का लफ्ज किस पर बोलते हैं, एक जो मौसूल का सिला होता है, इसी तरह सिला का लफ्ज जायद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं यानी कुरान में। इसी तरह सिला का लफ्ज फेल के साथ जो हर्फ जर इस्तेमाल हो उसको भी उस फेल का सिला कहते हैं। जो हरूफ जर्रा फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं उनको उस फेल का सिला कहते हैं, और सिले के बदलने से माना बदल जाता है। जैसे मैं कई दफा जिक्र कर चुका हूं, दाउतु लहू, दा या दऊ के साथ लाम इस्तेमाल होता है। दाउतु लहू का क्या माना, मैंने उसके लिए दुआ की, और इसी लाम की जगह जरा आला ले आओ, दाउतु अलैही, तो सिला बदला, माना ही बदल गया, अब माना है मैंने उसके लिए बददुआ की। आप भी लुगत के अंदर देखेंगे एक ही फेल के साथ हुरूफ जर्रा आगे जिक्र होते हैं, हर्फ जर बदलता जा रहा है तो वो माना भी बदलता जा रहा है भाई। तो फेल के साथ जो हर्फ जर इस्तेमाल होता है, जो उसे मुतालिक होता है, उसको उस फेल का सिला कहते हैं, और सिले के बदलने से फेल का माना बदल जाता है। तो सिला का लफ्ज नहव के अंदर कितनी चीजों पर बोला जाता है, तीन चीजों पर, मौसूल के सिले पर और जायद पर, और वो जो फेल के साथ हर्फ जर इस्तेमाल हो उस पर। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं नहव मीनल बिर्री अंत कुफा लिसाना का, बात समझ में आ गई। ये लिसाना का मफूल भी ही है, लेकिन इसको हम तकुफा पर भी मुकदम नहीं कर सकते और अंत कुफा पर भी मुकदम नहीं कर सकते। माना समझ में आ गया, मीनल बिर्री नेकी में से है अंत कुफा लिसाना का, कि आप अपनी जुबान को रोकें। अपनी जुबान को रोकना बेकार और फजूल बातों से यह भी नेकी है भाई। आगे देखिए, कहते हैं वकद युहज़फुल फ़िअलुल आमिलु फिल मफ़ूल बिही लिक़ियामि क़रीनतिन। भाई अब आपको बतलाएंगे कि मफ़ूल बिही के फेल को कभी कभार हज़फ कर लिया जाता है, और यह हज़फ कभी जवाजन होगा और कभी वजूबन। जवाजन वहां होगा जहां पर कोई करीना मौजूद हो। करीना वो चीज जो ये बतलाए कि यहां पर यह वाला लफ्ज महजूफ है। कोई भी चीज हो, वो लफ्ज भी हो सकता है और गैर लफ्ज भी हो सकता है। मसलन किसी ने आपसे पूछा, मन अजरीबू, मैं किसकी पिटाई करूं, तो आप जवाब में कहते हैं जैदन। देखा, जैदन के फेल इजरीब को आपने हजफ कर लिया। उसने पूछा मन अजरीबू, मैं किसकी पिटाई करूं, आपको कहना चाहिए इजरीब जैदन, कि तू जैद की पिटाई कर। तो इजरीब फेल को आपने हजफ कर लिया, क्यों, क्योंकि करीना मौजूद है। सवाल के अंदर जर्ब का फेल जिक्र हो चुका है, तो यहां पर आप इजरीब जैदन, यहां फेल को हजफ करना जायज है। आप चाहें तो सिर्फ जैदन कहें और आप चाहें तो इजरीब जैदन कहें भाई। तो कहते हैं वक़द युहज़फुल फ़िअलुल आमिलु फिल मफ़ूल बिही, और कभी कभार उस फेल को हजफ कर लिया जाता है जो मफ़ूल बिही में आमिल होता है। लिक़ियामि क़रीनतिन अय वक़्त क़ियामि क़रीनतिन, जिस वक्त करीना कायम हो, करीना मौजूद हो। मकालियतिन अव हालियतिन, चाहे वो करीना मकालिया हो या हालिया हो। मैंने आपको बतलाया था कि भाई करीना दो ही किस्म पर है, या करीना लफ्ज होगा या गैर लफ्ज। करीना लफ्ज हो तो उसको लफ्जिया कहते हैं, और गैर लफ्ज हो तो उसको अकलिया कहते हैं, यानी जिसमें हम लफ्ज नहीं बताते, हमारी अकल हमें बतलाती है। भाई करीना लफ्जिया में भी अकल ही बताती है, तवज्जो है। जैसे देखो, मसलन शेर जंगली दरिंदे का भी नाम है और यह बहादुर आदमी को भी कहते हैं, तो अगर यह अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो तो यह हकीकत कहलाता है, और अगर दूसरे माना में इस्तेमाल हो तो यह मजाज कहलाता है। अब देखिए, मसलन मैं आपसे कहता हूं, कल मैं चिड़ियाघर गया था, मैंने शेर देखा, इस शेर से कौन सा माना मुराद है, जंगली दरिंदा। करीना क्या है, ये जो मैंने चिड़ियाघर का लफ्ज साथ जिक्र किया, तो मालूम हुआ यह करीना आपको बतला रहा है। और यह करीना लफ्जिया है या गैर लफ्जिया, लफ्जिया है, करीना है लफ्जिया है। और दूसरी मिसाल ले लें, मसलन मस्जिद के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ, मैंने कहा कि शेर आ गया, इस शेर से क्या मुराद है, बहादुर आदमी, बहादुर आदमी। तो देखो, इसके अंदर करीना क्या है, ये जो हालत है वो मस्जिद के अंदर आया है,
तवज्जो है, तो करीना कभी लफ्ज होगा कभी गैर लफ्ज, लेकिन दोनों में हमें बताती अकल ही है। अकल नहीं होगी उसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो ये अकल ही हमें बतलाती है, चाहे करीने लफ्जिया हो या अकली। लेकिन एक में चूंकि लफ्ज वास्ता बना इसलिए उसका नाम करीने लफ्जिया रख दिया, और दूसरे में लफ्ज वास्ता नहीं बना तो उसको करीने अकलिया कह दिया। तवज्जो है। और फिर इस करीने अकलिया की मुख्तलिफ सूरतें हैं, उसके एतबार से नाम भी बदल देते हैं, लफ्ज के एतबार से भी कभी नाम बदल देते हैं। जैसे यहां पर यह मिसाल आई, मन अजरीबू, किसने आपसे पूछा, आपने क्या कहा, जैदन, आई इज जरीब जैदन, तो आपने इजरीब फेल को हजफ कर लिया क्योंकि करीना मौजूद है। करीना क्या है, उसका वो जो सवाल है, और सवाल क्या था, लफ्ज था, तो ये करीना लफ्जिया है। क्या है, या यूं कह दो करीना मकालिया, करीना मकालिया यानी कौल करीना है, मुखातब ने जो सवाल किया उसका कौल करीना है, तो करीना लफ्जिया कह दो या करीना मकालिया कह दो, इसी तरह करीना अकलिया कह दो या करीना हालिया कह दो वगैरह, और कोई ना, बात समझ में आ गई जी। देखिए किताब पर, तो कहते हैं कभी मफूल बिही के फेल को हजफ कर लिया जाता है, लि कियामी करीनतिन, जिस वक्त करीना मौजूद हो, मकालियतिन औ हालियतिन, चाहे वो करीना मकालिया हो या हालिया हो। मकालिया से क्या मुराद, करीना लफ्जिया, और हालिया से क्या मुराद, करीना अकलिया, लेकिन हालिया कह दिया क्योंकि हालत दलालत कर रही है। जवाजन, और यह हजफ जवाजन होता है, नहवु जैदन, जैसे कि जैदन का लफ्ज है, ये इसके आमिल को हजफ कर लिया गया, लिमन काला, ये उस शख्स से कहा गया जिसने ये कहा था, मन अजरीब, उसने कहा था मन अजरीब, आपने जवाब में उसको क्या कहा, जैदन, तो आप इजरीब जैदन भी कह सकते हैं और जैदन भी कह सकते हैं। तो जैदन लिमन काल मन अजरीबू, इस हाल में कि ये उस शख्स को कहा गया जिसने कहा था, मन अजरीबू, मैं किसकी पिटाई करूं, आई इजरीब जैदन, ये कहा यहां इजरीब फेल महजूफ वो निकालकर साहिब जामी ने बतला दिया कि ये फेल नसब दे रहा है जैदन को। तो कहते हैं फहुजिफल फ़िअल, तो इस फेल को हजफ कर लिया गया, लिल करीनतिल मकालियतिल लती हिया सुआलु, उस करीना मकालिया की वजह से जो कि सुआल है, वनहु मक्कता लिल मुतवज्जिही इलैहा, और कभी कभार करीना लफ्जिया नहीं होगा बल्कि करीना हालिया होगा। जैसे एक शख्स मक्का जाना चाह रहा है, मक्का की तैयारी में लगा हुआ है, मसलन सामान तैयार कर रहा है, एहराम वगैरह बांधा हुआ है, तो अब आप उससे कहते हैं मक्कता, आई अतुरीदु मक्कता, यानी क्या आप मक्का का इरादा कर रहे हैं, यानी मक्का जाना चाहते हैं। तो देखो यहां पर आपने क्या कहा, मक्कता, सवाल पूछ रहे हैं उससे, तो कहना क्या चाहिए था, अतुरीदु मक्का था या तुरीदु मक्का था, आप मक्का का इरादा कर रहे हैं, तो तुरीदु फेल, अंता जमीर इसके अंदर फाइल, और मक्का था इसके लिए मफूल भी ही, तो ये फेल को हजफ करना जायज है, और आप चाहें तो लफ्जों में जिक्र कर दें। और यहां करीना क्या मौजूद है, आप अगर सिर्फ ये कहते हैं मक्का था, इन्हें उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो करीना क्या है, यह उसकी हालत बतला रही है, जो उसकी जो हालत है ये उस फेले महजूफ पर दलालत कर रही है, क्योंकि वो उसने एहराम बांधा हुआ है और सामान वगैरह तैयार कर रहा है, मालूम हो उसका मक्का जाने का इरादा है। तो कहते हैं वनहु मक्का था, और जैसे कि मक्का जो है, लिल मुतवज्जिही इलैहा, इस हाल में कि उस शख्स को कहा जाए जो मक्का की तरफ मुतवज्जे है, यानी उसकी तरफ जा रहा है, आई तुरीदु मक्का था, यानी क्या आप मक्का का इरादा कर रहे हैं, यानी मक्का जाना चाहते हैं। फहुजिफल फ़िअल, तो फेल को हजफ कर लिया गया, लिल करीनतिल हालियति, करीना हालिया की वजह से, उसकी हालत बतला रही थी कि वो मक्का का इरादा रखता है। यहां तक बात समझ में आ गई। व वजूबन फी अरबाती मवाज़िअ, और मफूल बिही के फेल को हजफ किया जाएगा, वजूबन चार जगहों में, कितनी जगहों में, चार जगहों के अंदर मफूल बिही के फेल को वजूबन हजफ किया जाएगा। साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि चार का अदद यह हसर के लिए नहीं है, हसर के लिए नहीं है कि चार ही जगहें हैं, जगहें चार से ज्यादा हैं, लेकिन चार ही को साहिब काफिया ने इसलिए जिक्र फरमाया कि इनके अंदर बहसें ज्यादा हैं, बाकियों के अंदर निस्बतन बहस कम है, इसलिए उनको जिक्र नहीं फरमाया। तो चार जगह कहने का यह माना नहीं है चार ही जगह हैं, जगह और भी हैं। याद रखो जमहूर के नजदीक जब अदद जिक्र किया जाता है तो अदद हसर के लिए नहीं होता, अदद हसर के लिए नहीं होता। मसलन आपकी जेब में 100 रुपए हैं,
आप अपने साथी को कहते हैं मेरी जेब में 50 रुपए हैं, मेरी जेब में 50 रुपए हैं, तो आपका कलाम बिल्कुल सही है। जब 100 आपकी जेब में 100 हैं तो उस 100 के अंदर 50 भी आ गए कि नहीं आ गए? 50 भी आ गए। तो आपने कहा मेरी जेब में 50 रुपए हैं, इसका यह माना नहीं कि 50 से जायद नहीं है, मालूम 50 से कम नहीं है, 50 तो हैं भाई, जायद भी हो सकते हैं। तो अदद जो है वो हसर के लिए नहीं होता बल्कि कसरत बतलाना मकसूद होता है भाई। और मफूल बिही के फेल को हजफ किया जाता है वजूबन चार जगहों में, तख्सीस हुआ बिजिक्री लैसा लिल हसरी, कि ये जो चार जगहों की तख्सीस की जिक्र के साथ लैसा लिल हसरी, ये हसर और तख्सीस के लिए नहीं है, लि वजूबिल हसफी, इसलिए क्योंकि हजफ वाजिब है, फी बाबिल इगराई, किसके अंदर? बाबुल इगरा के अंदर भी हजफ वाजिब है, वल मंसूब अलल मदह अवि जम अवि तरहुमी, और इसी तरह वो जो मंसूब होता है मदा जम या तरहुम की बिना पर उसमें भी हजफ वाजिब है, इगरा के अंदर भी हजफ वाजिब, हालांकि इन चार में तो इगरा जिक्र नहीं किया साहिब काफिया ने, और इसी तरह मंसूब होता है कभी मदा जम या तरहुम की बिना पर, वो भी इन चार के अंदर जिक्र नहीं किया, तो मालूम हुआ जहां हजफ वाजिब होता है मफूल बिही के फेल का वो जगह चार से जायद हैं भाई। तो कहते हैं पीछे क्या जिक्र किया था कि इनकी तख्सीस की जिक्र के साथ, यानी खास तौर पर इन्हीं को जिक्र किया, लैसा लिल हसरी, ये हसर के लिए नहीं है। आगे देखिए बल्ली कसरती मबाहिसिहा, बल्कि किस लिए इनको जिक्र किया, बल्कि खास तौर पर इनको जिक्र किया, लिकसरती मबाहिसिहा, इनके मबाहिस कसीर होने की वजह से, बिन निस्बती इला हादिहिल अबवाब, इन अबवाब की निस्बत से, ये जो अबवाब जिक्र हुए बाबुल इगरा और मंसूब अलल मदाजम और तरहुम, इनके मुकाबले में जो साहिब काफिया ने चीजें जिक्र की उनमें बहस ज्यादा है, इसलिए उनको खास तौर पर जिक्र किया। बात समझ में आ गई। एतराज क्या हुआ कि कितनी जगह साहिब काफिया ने जिक्र की जहां मफूल बिही के फेल को हजफ करना वाजिब है? चार जगह। तो साहिब जामी ने बतलाया कि ये चार जो जगह जिक्र की ये हसर के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और भी जगह हैं जहां हजफ वाजिब है, जैसे बाबुल इगरा है, और इसी तरह वो जो मंसूब होता है मद अजम और तरहुम की बिना पर। तो फिर इनको खास तौर पर क्यों जिक्र किया? कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बहसें ज्यादा हैं बमुकाबला इन चीजों के, ये जो बाबुल इगरा और मंसूब अलल मद अजम वगैरह हैं। यहां आया मंसूब अलल मद ही व जम्मी व तरहुमी, ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, पहले भी बयान कर चुका हूं भाई। याद रखिए बाज औकात सिफत को वसफियत से काट कर उस पर रफा पड़ दिया जाता है बिना पर मदा के या जम के या तरहुम के, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें लफ्ज अल्लाह मौसूफ है और वह मजरूर है मुजाफिले है, और आगे अर्रहमानिर्रहीमी, ये उसकी सिफात हैं और ये दोनों भी मजरूर हैं, क्योंकि सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर आता है। लेकिन आप मदा के तौर पर इस सिफत को, इसका एराब क्या है, इस पर जर है, आप इस पर रफा पढ़ देते हैं बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीमु, तो सिफत को वसफियत से काटकर आपने उस पर रफा पढ़ दिया, किस लिए? मदा की बिना पर, आप अल्लाह की मदा करना चाहते हैं। और ये जब रफा पढ़ेंगे तो याद रखना इस सूरत में ये खबर बनेगी और मुब्तदा महजूफ है, ऐ हुवर रहमानुर रहीम, तो हुआ मुब्तदा और अर रहमानु उसकी खबर, और खबर मरफू होती है, और हुआ को लफ्जों में नहीं जिक्र कर सकते, बिस्मिल्लाही हुवर रहमानु, अगर आप हुआ को लफ्जों में ले आएंगे तो फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये अर्रहमान पहले सिफत थी, अब दरमियान में हुआ लाकर इसको हुआ के लिए खबर बना दिया है। आप तो सुनने वाले को बतलाना चाहते हैं कि ये है तो सिफत, लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूं इस पर, रफा पढ़ रहा हूं, किस वजह से? मदा की बिना पर, हम्द और सना की वजह से। तो वो उसी वक्त होगा जब दरमियान में कोई फसल ना हो, जब आप कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम तो सुनने वाला फौरन चौंक उठेगा कि भाई मौसूफ पर तो जर है, ये सिफत पर रफा क्यों पढ़ दिया, और फिर समझ जाएगा कि ये किस लिए पढ़ा गया है, मदा की बिना पर। तो मदा की बिना पर रफा पढ़ते हैं, और फिर तरकीब में यह क्या बनता है जिस पर रफा पड़ा है, यह खबर, यह सिफत को खबर बना देते हैं, और इनका मुब्तदा महजूफ होता है और उसका हजफ वाजिब है। और इसी तरह कभी रफा पढ़ते हैं जम की बिना पर, जैसे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अश शैतानी
मौसूफ अर्रजीमी उसकी सिफत, और मौसूफ मजरूर है तो सिफत भी मजरूर है, लेकिन आप क्या करते हैं उस सिफत को उस सिफत पर रफा पढ़ देते हैं, किस लिए? मजम्मत के तौर पर आप बतलाना चाहते हैं कि मैं इस शैतान की मजम्मत करता हूं। तो कैसे पढ़ेंगे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो सुनने वाला फौरन चौंक उठेगा कि मौसूफ मजरूर है तो सिफत पर जर के बजाय क्या पढ़ दिया गया? रफा। यह क्यों पढ़ा गया? और फिर बात को समझ जाएगा कि यह मजम्मत के लिए ऐसा किया गया। और इसी तरह कभी रफा पढ़ा जाता है तरहम के लिए। तरहम का माना है किसी के लिए रहम की दुआ करना, रहम को तलब करना कि उस पर रहम किया जाए। मसलन आप कहते हैं मरारतु बिज़ैदिनिल मिस्कीनी, ज़ैदिन मजरूर है, उस पर बात जारा दाखिल है, अल मिस्कीनी उसकी सिफत भी मजरूर है। तो अब आप इस पर रफा पढ़ते हैं सिफत पर, मरारतु बिज़ैदिनिल मिस्कीनो, तो सुनने वाला फौरन चौंक उठेगा कि ज़ैदिन मौसूफ तो मजरूर है तो सिफत पर रफा क्यों पढ़ दिया गया? भाई इसको तो मजरूर होना चाहिए था। और फिर फौरन बात समझ जाएगा कि यह किस लिए इस पर रफा पढ़ा गया? तरहम के लिए, कि ज़ैद पर रहम किया जाए। भाई तो लिहाजा मदा जम और तरहम के लिए बाज़ औक़ात सिफत पर रफा पढ़ दिया जाता है, और इस सूरत में इनका मुब्तदा महजूफ होता है और यह सिफत उसके लिए खबर बनती है और खबर मरफू होती है। और इसी तरह कभी मदा जम और तरहम के लिए नसब भी पढ़ते हैं और उस सूरत में आनी फेल वहां महजूफ होता है। आनी फेल आना जमीर उसके अंदर फाइल, आना यानी का क्या माना है? मुराद होना, इरादा करना। आनी मेरी मुराद यह है। मसलन देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर आपने नसब पढ़ दिया, रफा भी पढ़ सकते हैं, नसब भी रफा पढ़ेंगे तो यह हुआ के लिए खबर बना देंगे इसको, और नसब पढ़ेंगे तो आनी फेल के लिए मफूल भी ही बना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई आनिर्रहमानिर्रहीम, आनी फेल अना ज़मीर इसके अंदर फाइल और अर्रहमानिर्रहीम उसके लिए मफूल भी। तो सुनने वाला जब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही अर्रहमानिर्रहीम पर नसब पढ़ा, सुनने वाला फौरन चौंक उठेगा कि भाई ये तो सिफत थी, इस पर तो जर आना चाहिए था, आप इस पर नसब पढ़ रहे हैं। फिर फौरन ही समझ जाएगा, मालूम हुआ यह किस लिए मंसूब है, ये मदा के तौर पर। इसी तरह मजम्मत के तौर पर भी नसब पढ़ा जाएगा, वहां भी इसी तरह आनी। तरहम के लिए भी नसब पढ़ा जाएगा, वहां भी आनी। तो लिहाजा मालूम हुआ मदा जम और तरहम के लिए रफा भी पढ़ना जायज, नसब पढ़ना भी जायज। किस पर? सिफत पर, सिफत पर। और जब रफा पढ़ा जाएगा तो मुब्तदा महसूफ है, और हमारी यह बहस तो मुब्तदा खबर की नहीं चल रही, ये तो मफूल बिही की चल रही है। हां जब नसब पढ़ेंगे तो नसब किस वजह से पढ़ा? क्योंकि यह मफूल भी ही है, और इसके लिए फेल आनी महजूफ है, और आनी को हजफ करना वाजिब है, क्योंकि अगर आप उसको जिक्र कर देंगे फिर तो किसी को नहीं पता चलेगा कि यह पहले सिफत थी फिर बाद में इसको मफूल भी ही बनाया गया। तो लिहाजा मदा जम और तरहम की बिना पर नसब पढ़ना जायज, और उस वक्त वो जो फेल है उसको हजफ करना वाजिब है। बात समझ में आ गई? तो देखो ये भी वो मकाम है जहां पर मफूल बिही के फेल को हजफ करना वाजिब है। इसी को जिक्र किया साहिब जामी ने, वो जो मंसूब है अलल मदह अवि ज़मी अवि तरहमी। ये अब बाबुल इगरा आया भाई, इसको अच्छी तरह समझ लें कि इगरा किसे कहते हैं। इगरा, इगरा अगरा युगरी, इगरा का माना है उभारना, उभारना। एक है बाबे इगरा, एक है बाबे तहजीर। हज़रा युहज़िरु, तहजीर का माना है दूसरे को डराना, दूसरे को खबरदार करना, दूसरे को मुतनब्बेह करना। तवज्जो है, याद रखो नेक काम पर, अच्छी बात पर, अच्छी आदत पर किसी को आप उभारते हैं तो उसको कहते हैं इगरा, और किसी खतरे वाली चीज से किसी को आप बचने का कहते हैं, उस पर उसको मुतनब्बेह करते हैं तो उसको कहते हैं तहजीर। अच्छे काम पर दूसरे को उभारा जाता है उसको कहेंगे इगरा, और बुरी आदत से दूसरे को बचने का कहा जाता है इसको कहते हैं तहजीर। तो इगरा और तहजीर एक दूसरे के मुकाबिल हैं। जैसे जैसे इखलास, इखलास देखो आमाल के अंदर इखलास होना चाहिए, जो अमल भी आप करें वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। तो इखलास अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अच्छी चीज है। तो इखलास पर किसी को आप उभारते हैं कि इखलास को लाजिम पकड़ो भाई, इखलास को इख्तियार करो, तो उसके लिए इगरा का लफ्ज बोलेंगे। और गुनाह जो है, गुनाह करना, गुनाह करना नापसंदीदा है, तो इससे किसी को आप रोकते हैं तो इसको क्या कहेंगे? तहजीर कहेंगे। क्या कहेंगे? याद रखो ये जो इगरा और तहजीर हैं, इगरा जो है इसमें तीन सूरतें हैं इगरा की, इगरा की। एक सूरत यह है
कि वो जो मुगरा बिही है जिससे यानी जिस पर उभारा जा रहा है, याद रखो इगरा वो नेक काम का जो कहने वाला है वो हुआ मुगरी, नेक काम पर जो उभारने वाला है, अगरा युगरी इगरा अनफा हुआ मुगरिन, इसमें फाइल है उभारने वाला, और जिसको उभारा जा रहा है जिसको नसीहत की जा रही है उस वो है मुगरा, मुगरा, और जिस बात पर उसको उभारा जा रहा है वो है मुगरा बिही, वो है मुगरा बिही। मसलन देखो मुगरा बिही मैं आपके सामने जिक्र करता हूं, अल इखलासा ये मुगरा बिही है, मैंने इसके फेल को हजफ कर लिया, आई इल्जम इल इखलासा कि तू लाजिम पकड़े इखलास को, इल्जम पढ़ना इसको भाई, उमूमन तो लबा इसको अलजिम पढ़ते हैं, इल्जम का क्या माना लजीमा यलजम का माना लाजिम होना, इल्जम तू लाजिम हो जा अल इखलासा किसके साथ, इखलास के साथ, यानी तू इखलास के साथ लाजिम हो जा इसको इख्तियार कर ले, और अलजिम का क्या माना होता है तू लाजिम कर दे, अलजिम इल इखलास तू लाजिम कर दे इखलास को, किसके साथ लाजिम करूं, जैद के साथ, आमर या बकर के साथ, तो ये तो माना ही बदल गया भाई, बात समझ, तो इल्जाम पढ़ना है अलजेम नहीं पढ़ना, तो अल इखलासा ये है मुगरा बिही जिस पर मैं उभार रहा हूं। मुगरा बिही के लाने की तीन सूरतें हैं, या तो उसको मुफरद लाया जाए या उसका तकरार किया जाए अल इखलासा अल इखलासा, और तीसरी सूरत यह है कि आतफ के साथ दो चीजों को जिक्र किया जाए अल इखलासा वस्सलाता। तवज्जो है, मुगरा बिही के लाने की कितनी सूरतें, तीन सूरतें, या तो उसको मुफरद लाओ या तकरार के साथ लाओ या अतफ के साथ लाओ। मैं किस पर उभारना चाहता हूं, मसलन खलास पर, या जैसे मैं आपसे कहता हूं अल अमानता, अमानत देखो अच्छा वसफ है अमानतदार होना, तो मैं आपसे क्या कहता हूं अल अमानता आई इल्जम इल अमानता, तू अमानत को लाजिम पकड़, इस आदत को इख्तियार कर। तो इल्जम फेल अंता जमीर फाइल और अल अमानता मफूल बिही, मफूल बिही, तवज्जो है। तो एक सूरत यह है कि मुगरा बिही को मुफरद लाया जाए, दूसरी सूरत यह है कि उसमें तकरार ले आए, उसको दो दफा जिक्र करें अल अमानत अल अमानता, दो दफा जिक्र किया अल इखलास अल इखलासा, दो दफा जिक्र किया अस्सलात अस्सलाता या इल्जम इस्सलात अस्सलात, अल कुरान अल कुराना आई इल्जम इल कुरान अल कुराना, यहां इल्जाम फेल निकालेंगे और जो सानी लफ्ज आएगा यह अव्वल के लिए ताकीद लफ्जी है, एक ही लफ्ज को दो दफा जिक्र किया जाए तो वह उसके लिए क्या होती है ताकीद। तीसरी सूरत यह है आतफ के साथ दो चीजों को जिक्र किया जाए अस्सलात अवल कुरान आई इल्जम इस्सलात अवल कुरान, अल इखलास अवद दियानता आई इल्जम इल इखलास अवद दियानता, बात समझ में आ रही है। तो मुगरा बिही के लाने की कितनी सूरतें हैं, तीन। कौन सी सूरत, पहले कि उसको मुफरद लाओ अकेला एक ही लफ्ज, दूसरी सूरत कि उसको तकरार के साथ लाओ, तीसरी सूरत कि उसको आतफ के साथ लाओ, दो चीजों को जिक्र करो, बात समझ में आ गई। याद रखो जब मुगरा बिही को मुफरद लाया जाए तो उसके फेल को हजफ करना जायज है, यानी आप चाहे हजफ करें चाहे जिक्र कर दें। मैं कुरान के पढ़ने पर आपको उभारना चाहता हूं कि कुरान को लाजिम पकड़ो, तो मैं कहूंगा अल कुरान, मैंने फेल को हजफ कर दिया, और मैं चाहूं तो फेल को जिक्र कर दूं इल्जम इल कुरान, और ये मफूल बिही है सारे भाई। तो जब मुगरा बिही को मुफरद जिक्र किया जाए तो उसमें फेल का हजफ जायज है, वाजिब नहीं, आप उसको जिक्र भी कर सकते हैं, और जब मुगरा बिही को मुकर्रर लाया जाए उसमें तकरार हो या उसके या आतफ की सूरत में लाया जाए फिर फेल का हजफ वाजिब है। अस्सलात अस्सलाता, अब इल्जम को मैं जिक्र नहीं कर सकता भाई, अल कुरान अल कुराना, अद्दयानत अद्दयानता, अल बिर अल बिर्रा, तवज्जो है। जब तकरार के साथ मुगरा बिही को जिक्र करेंगे तो फेल का हजफ वाजिब है, और इसी तरह आतफ के साथ जब जिक्र करेंगे तब भी फेल का हजफ वाजिब है। अल कुरान अवस्सलाता, अद्दयानत अवल इखलासा, अल अमानत अवद्दयानता, सूरत समझ में आ रही है। तो मुगरा बिही के लाने की कितनी सूरतें, तीन सूरतें, या मुफरद लाओ या तकरार के साथ लाओ या आतफ के साथ लाओ। मुफरद लाओ तो फेल का हजफ जायज, और तकरार के साथ या आतफ के साथ लाओ तो फेल का हजफ वाजिब है, और ये सब मफूल बिही बनते हैं। इसी तरह तहजीर के अंदर भी है, इगरा के अंदर तो एक अच्छी बात अच्छी आदत पर उभारा जाता है, और तहजीर के अंदर कोई नुकसानदेह चीज या नुकसानदेह आदत पर मुतनब्बे किया जाता है।
और उसमें फिर चार सूरतें हैं। एक सूरत यही कि मुहजर मिनहू जो है उसको मुफरत जिक्र किया जाए, भाई तहजीर का माना है दूसरे को मुतनब्बे करना, तो जो मुतनब्बे करने वाला है वो है मुहजर, इसमें फाइल मुतनब्बे करने वाला, और जिस आदमी को मुतनब्बे कर रहा है यानी जो मुखातब है वो है मुहजर, और जिस चीज या जिस आदत से बचने का कह रहा है वो है मुहजर मिनहू, मुहजर मुहजर और मुहजर मिनहू। और इगरा में क्या था, मुगरी मुगरा और मुगरा बिही, तवज्जो है, तो मुहजर मुतकल्लिम, मुहजर मुखातब और मुहजर मिनहू वो चीज जिससे बचने का कहा जा रहा है। तहजीर के अंदर चार सूरतें हैं कि वो मुहजर मिनहू को या मुफरत जिक्र करोगे या उसको तकरार के साथ जिक्र करोगे या उसको आतफ के साथ जिक्र करोगे या उसको इया के साथ जिक्र करोगे। चार सूरतें कौन कौन सी, तहजीर के अंदर चार सूरतें कौन कौन सी कि मुहजर मिनहू को मुफरत लाएं या तकरार के साथ लाएं या आतफ के साथ लाएं या इया के साथ लाएं भाई। और यहां फेल निकालेंगे इहजर, इहजर या इत्तकी या इजतनिब, बात समझ में आ रही, या बाइद, ए हजर यानी तुम बचो इस चीज से, बचो ए हजर या बाइद इस चीज को दूर करो अपने से, या इजतनिब इस चीज से इजतनाब करो। तो यहां हजीरा या हजर ए हजर अमूमन फेल निकालते हैं या इस जैसा कोई भी हो। तो अब मसलन मैं आपसे क्या कहता हूं, अन्निफाका ए हजारिन निफाका, मुनाफकत से अपने आप को बचाओ, मुनाफकत के जाहिर में कुछ हो और बातिन में कुछ, इससे अपने आप को बचाओ। तो इसमें कितनी सूरतें, चार। एक सूरत क्या कि मुफरत लाएं अन्निफाका, चाहे तो फेल को हजफ करें चाहे फेल को जिक्र करें, ए हजारिन निफाका या अन्निफाका हजफ कर लें फेल को, दोनों सूरतें जायज हैं, जबकि बाकी सूरतों के अंदर यहां हजफ वाजिब है। दूसरी सूरत क्या कि उस मुहजर मिनहू का मुकर्रर लाएं अन्निफाक अन्निफाक, दो दफा में ले आया, अब ए हजार इन निफाक निफाक हम नहीं कह सकते, फेल को हजफ करना वाजिब, और यह निफाक सानी अव्वल के लिए ताकीद लफ्जी है। तीसरी सूरत क्या है, आतफ के जरिए अन्निफाक अवल कसला, कसल कहते हैं सुस्ती को, कि ए हजार इन निफाक अवल कसला कि तुम मुनाफकत और सुस्ती से अपने आप को बचाओ, या मैं कहता हूं अलगश अवल गिल्ला, अलगश अवल गिल्ला, गश कहते हैं धोखा मिलावट भाई, और गिल्लुन कहते हैं कीना, दिल के अंदर जो दुश्मनी हो नफरत हो कीना हो। तो अलगश अवल गिल्ला ए हजारिल गश अवल गिल्ला भाई, या इसी तरह मैं कहता हूं आपसे अर रिया, तो मैं फेल को जिक्र भी कर सकता हूं ए हजारिल रिया या अर रिया अर रिया, देखो तकरार के साथ फेल को हजफ करना वाजिब, या अर्रिया अवन निफाक, रियाकारी से यानी दिखलावे से और मुनाफकत से बचो भाई, या मसलन शेर है, शेर खतरनाक कोई जानवर है वो भी इसी तरह है अल असदा इत्तकिल असदा या इहजरिल असदा। दूसरी सूरत तो ये था मुफरद, दूसरी सूरत क्या अल असद अल असदा, तीसरी सूरत क्या, तीसरी सूरत अतफ के साथ भाई दो चीजों को जिक्र किया जाए अन्निफाक वल असदा, कोई सूरत ये मसलन कोई भी मिसाल आप बना लें। और चौथी सूरत है तहजीर के अंदर इया के साथ भाई, किसके साथ, इया के साथ भाई, और ये इया वही जमीर मंसूब मुनफसिल है भाई, वो जो आप पढ़ते हैं भाई इया का इया कुमा इया कुम इया की इया कुमा इया कुन्ना, जैसे कुरान में है इया का नाबुदू, ये इया का क्या है, जमीर मंसूब मुनफसिल है भाई, बात समझ में आ रही है। और याद रखो फिर ये इया के अंदर तीन सूरतें हैं, एक सूरत ये है कि आप इया को वाव के साथ जिक्र करें यानी आतफ के साथ, या आप इया को मीन के साथ जिक्र करें, और तीसरी सूरत है कि उसमें ना वाव जिक्र हो और ना मीन जिक्र हो। कितनी सूरतें इया के अंदर, तीन सूरतें, एक सूरत क्या कि वाव के साथ जिक्र हो, दूसरी सूरत क्या मीन के साथ जिक्र हो, और तीसरी सूरत है कि ना वाव जिक्र हो और ना मीन जिक्र हो। मसलन मसलन आप दूसरे को खबरदार करना चाहते हैं कि झूठ से अपने आप को बचाए, तो आप उससे कहते हैं इया का वल कजीबा, देखो वाव दरमियान में ले आए,
इया का वल कजीबा, ये इया का ये भी जमीर मनसूब मुनफसिल है और अल कजीबा ये भी मनसूब है, ये दोनों मफूल भी ही हैं भाई, बात समझ में आ रही है। और ये भी याद रखना ये इया वाली तीनों सूरतों के अंदर फेल का हजफ वाजिब है, आप लफ्जों में जिक्र नहीं कर सकते भाई। तो यहां पर पहली सूरत क्या, वाव के साथ इया का वल कजीबा, दूसरी सूरत है मीन के साथ इया का मीनल कजीबी, और तीसरी सूरत है बगैर वाव और मीन के, और उस सूरत में फिर आप मस्दर मुअव्वल को आगे लेकर आएंगे उसके साथ जोड़कर, यानी अन माअल फेल के जिक्र होगा इया का अन तक जीबा, इया का अन तक जीबा, अन तक जीबा। और याद रखो यहां मीन मुकद्दर है, इया का मीन अन तक जीबा, और व और मीन के साथ भी आप अन को जिक्र कर सकते हैं। पहले क्या जिक्र किया था, इया का वल का जीबा, आप यूं भी कह सकते हैं इया का व अन तक जीबा, तवज्जो है इया का वल का जीबा, और अन के साथ भी ला सकते हैं इया का व अन तक जीबा, मीन के अंदर भी आप अन भी ला सकते हैं बगैर अन के भी, इया का मीनल का जीबी या इया का मीन अन तक जीबा। और फिर तीसरी सूरत यह है कि व और मीन के बगैर लाएं और क्या कहें, इया का अन तक जीबा, और इस सूरत में फिर अन ही को लाएंगे, जब वाव और मीन लफ्जों में ना हो तो फिर आगे अन के साथ ही जिक्र करना पड़ेगा मुहज़्ज़र मिन्हु को, बगैर अन के जिक्र नहीं कर सकते। यानी आप यूं नहीं कह सकते इया कल कजीबा, इया का अन तक जीबा तो कह सकते हैं, देखो दरमियान में ना वाव है और ना मीन है, लेकिन इया कल कजीबा अलकजीब लाए, देखो ये मुहज़र मिन्हु अन माअल फेल के साथ नहीं है और दरमियान में वाव और मीन भी नहीं है, तो साहिब काफिया के नजदीक और जमहूर के नजदीक ये सूरत जायज नहीं, जबकि बाज नहवी हजरात फरमाते हैं कि यह सूरत भी जायज है, इया कल कजीबा कहना भी जायज है या इया कल असदा कहना भी जायज है, लेकिन जमहूर नहवी क्या फरमाते हैं कि मुहज़र मिन्हु को इयाका के साथ मिलाकर बगैर वाव और मीन के जिक्र करना चाहते हैं तो वो अन माअल फेल ही को जिक्र कर सकते हैं, किसी इसमें सरीह को जिक्र नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई मालूम, इसमें मुअव्वल यानी अन माअल फेल जो है वो जो मस्दर की तावील में हो जाता है उस इसमें मुअव्वल को तो जिक्र कर सकते हैं लेकिन इसमें सरीह को जिक्र नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, तो इगरा किसे कहते हैं, किसी नेक आदत या नेक चीज पर दूसरे को उभारना कि वो उस नेक चीज को लाजिम पकड़ ले, वहां इल्जम का फेल होगा। और तहजीद जिसमें किसी नुकसानदेह आदत या नुकसानदेह चीज पर किसी दूसरे को मुतनब्बे किया जाए, और वहां पर इहजर या इजतनिब या हज़िर या इत्तकी या बाइद जैसा कोई फेल महजूफ होगा। और फिर इनके अंदर आपने पढ़ा कि इगरा के अंदर तीन सूरतें हैं, या तो उसको मुगरा बिही को मुफरत लाओ या तकरार के साथ लाओ या आतफ के साथ, मुफरद लाओ तो उसमें हस्फ फेल जायज है वाजिब नहीं, तकरार और आतफ के साथ हो तो हस्फ फेल वाजिब है। जबकि तहजीर के अंदर चार सूरतें हैं, या मुफरद होगा या तकरार के साथ होगा या आतफ के साथ होगा या इया के साथ होगा, मुहज़र मिन्हु को मुफरद लाओ तो हस्फ फेल जायज है वाजिब नहीं, जबकि बाकी तीन सूरतों में हस्फ फेल वाजिब है। और दूसरी सूरत क्या कि मुहज़र मिन्हु को मुकर्रर लाओ, दो दफा लाओ उसमें तकरार हो। तीसरी सूरत क्या कि उसको आतफ के साथ लाओ, दो चीजों को जिक्र कर दो। और चौथी सूरत क्या कि इया के साथ जिक्र करो। इया के अंदर तीन सूरतें हैं, एक सूरत क्या वाव के साथ, एक सूरत मीन के साथ और एक सूरत वाव और मीन के बगैर है। वाव के साथ हो तो फिर वाव के बाद आप इसमें सरीह को भी जिक्र कर सकते हैं और अन माअल फेल को भी जिक्र कर सकते हैं, इया का वल का जीबा और इया का व अन तक जीबा। और इसी तरह मीन के अंदर भी दोनों सूरतें जायज हैं, आप इसमें सरीह को भी जिक्र कर सकते हैं और मस्तर मुअव्वल को भी, इया का मीन अल कजीबी या इया का मीन अन तक जीबा। और अगर आप वाव और मीन के बगैर लाना चाहते हैं तो फिर इसमें मुअव्वल को तो ला सकते हैं, इसमें सरीह को नहीं ला सकते, तो आप यूं कहेंगे इया का अन तक जीबा, इया कल कजीबा कहना जायज नहीं जमहूर के नजदीक। हां बाज नहवी फरमाते हैं कि इया कल कजीब कहना भी जायज है। तो ये मुहज़र मिन्हु की मिसालें हुई। आप मसलन अल असद को ले आए, इया का वल असदा, इया का मीन अल असदी, शेर से अपने आप को बचाओ भाई।
और ये इया वाली सूरतों में फेल का हजफ वाजिब है। बात समझ में आ गई? तो इया में कितनी सूरतें हो गईं? जमहूर के नजदीक तीन सूरतें हुई, और बाज नहवी जो है इया के बाद व और मिन के बगैर भी इसमें सरीह के जिक्र को जायज करार देते हैं, तो वो कहते हैं इया कल असदा, इया कल कजिबा, इया का निफाका वगैरह, ये कहना सही है, लेकिन जमहूर के नजदीक ये जायज नहीं है भाई। और मैंने बतलाया कि ये इया जो है ये वो जमीर मनसूब मुनफसिल है, तो ये मौके के मुताबिक लाएंगे। अगर एक मुखातब है जिससे आप ये कह रहे हैं तो इया का वल असदा कहेंगे, और अगर तस्निया या जमा है या मुअन्नस है तो उसी के मुताबिक जमीर लाएंगे। इया कुमा वल असदा, इया कुम वल असदा, इया की वल असदा, इया कुमा वल असदा, इया कुन्न वल असदा। सूरत समझ में आ गई? तो ये था बाबे तहजीर और बाबे इगरा। तो बाबे इगरा के अंदर भी फेल को हजफ करना वाजिब है। बाद सूरतों के अंदर आपने पढ़ा तकरार और आतफ वाली सूरतों में, तो लेकिन उसको भी साहिब काफिया ने जिक्र नहीं किया क्योंकि उसकी बहसें कलील हैं इनके मुकाबले में, ये जो इन्होंने जिक्र किए भाई। और ये तहजीर के बारे में याद रखना, साहिब काफिया भी ये जो चार जगह जहां पर मफूल बिही के फेल को हजफ करना वाजिब है उनमें वो तहजीर को आगे जिक्र करेंगे। तवज्जो है? तो तहजीर को वो आगे जिक्र करेंगे, अलबत्ता इगरा को जिक्र नहीं किया था तो उसको साहिब जामी ने जिक्र कर दिया भाई। बात समझ में आ गई? तो ये है इगरा भाई, नेक नेक और अच्छी बात पर या अच्छी चीज पर किसी को उभारना कि वो उसको लाजिम पकड़ ले। बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई, कहते हैं वह वजूबन फी अरबाती मवाजिया, और मफूल बिही के फेल को वजूबन हजफ किया जाता है चार जगहों में। तख्सीस हुआ बिज़िक्री लैसा लिल हसरी, कहते हैं ये जो चार जगहों की तख्सीस की जिक्र के साथ, लैसा लिल हसरी, ये हसर के लिए नहीं है। आगे आखिर में आ रहा है, बल्ले कसरत मबाहिसी हा बिन निस्बती इला हादिहिल अबवाब, बल्कि ये इनकी कसरत मबाहिस की वजह से है बनिस्बत इन अबवाब के, जो दरमियान में जिक्र हुए। दरमियान में क्या जिक्र हुआ? कहते हैं ये हसर के लिए नहीं है, लिवजूब इल हस्फ फी बाबिल इगराई, इसलिए क्योंकि हजफ वाजिब है बाबुल इगरा के अंदर भी। वल मनसूब अलल मदह अवि जम्मी अवि तरहमी, और इसी तरह हजफ वाजिब है वो जो मनसूब होता है मदा जम या तरहम की बिना पर। इबारत समझ में आ गई? अब वो चार जगहें जिक्र करेंगे। कहते हैं अल अव्वल मिन तिलकल मवाज़िल अरबाती, पहली जगह जो है उन चार जगहों में से, सिमाईयुन, वो सिमाई है भाई, सिमाई है, मकसूरुन अला सिमा, यानी सिमा पर बंद है। किस पर? सिमा पर बंद है। ला यतजावज़ु अन अमसिलतिन महदूदतिन, और ये तजावुज नहीं करता चंद महदूद मिसालों से, मस्मूआतिन जिनको सुना गया है, बि अन युकासा अलैहा अमसिलतन उखरा, बई सूरत के उस पर दूसरी मिसालों का कियास किया जाए। तवज्जो है? पहली जगह कौन सी है? सिमाई है भाई, पहली जगह सिमाई है। सिमाई का क्या माना? यानी सिमा पर मौकूफ है, अरबों से हमने इसी तरह सुना है। जब ये सिमाई है, मालूम हो इसके लिए कोई जाब्ता और कानून नहवी नहीं बना सके, यानी इसके लिए जब कोई जाब्ता और कानून मौजूद नहीं है तो आप इस पर कयास नहीं कर सकते। जब आप इस पर कयास नहीं कर सकते तो ये उन्हीं मिसालों के अंदर बंद है जो अरबों से हमने सुनी है, आप उन पर कयास करते हुए नई मिसालें नहीं बना सकते। तो यही बात बयान कर रहे हैं, देखिए दोबारा, कहते हैं अल अव्वल मिन तिलकल मवाज़िल अरबाती सिमाईयुन, उन चार जगहों में से पहली जगह सिमाई है, मकसूरुन अला सिमाई, सिमाई क्या माना? ये बंद है किस पर? सिमा पर है। ला यतजावज़ु अन अमसिलतिन महदूदतिन मस्मूआतिन, और ये तजावुज नहीं करता वो जो कुछ महदूद मिसालें हैं, मस्मूआतिन जिनको सुना गया है, कुछ महदूद मिसालें जो अरबों से सुनी गई हैं उनसे ये तजावुज नहीं करता, यानी और मिसालें आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कोई कानून और जाब्ता ही नहीं है। कोई कानून और जाब्ता होता तो फिर आप इनके ऊपर मिसालें और तैयार करते और फिर कहते कि इनमें भी हजफ वाजिब है। तो ये उन चंद सुनी हुई महदूद मिसालों से तजावुज नहीं करते। बी अयुकासा, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं कि तजावुज करने की क्या सूरत है,
कि बिअन युकास अलैहा अमसिलतुन उखरा, बई सूरत के उन पर कियास किया जाए दूसरी मिसालों का, दूसरी मिसालों को उन पर कियास करते हुए बना लिया जाए, ऐसा यहां पर नहीं क्योंकि कोई जाब्ता ही नहीं मौजूद भाई। नहु इमराउं व नफसा, जैसे इमराउं व नफसा आई उतुरुक इमराउं व नफसा, तकदीर इबारत क्या है उतुरुक इमराउं व नफसा भाई, ये उर्दू में भी जैसे आप कहते हैं कोई दो आदमी किसी बात पर झगड़ रहे हैं या नाराजगी है या लड़ने की सूरत है तो आप उसको कहते हैं भाई छोड़ो झगड़े को, जाने दो, लड़ाई न करो भाई, या इसको नसीहत करना छोड़ दो, ये आपकी बातों पर अमल नहीं करता। तो कैसे कहते हैं अरबी में इमराउं व नफसा, इमरान आदमी, व नफसहू और उसकी जात, आदमी और उसकी जात को और उसकी जान को छोड़ दो, आदमी को और उसकी जात को छोड़ दो। तो यहां पर उतरुक फेल को हजफ कर लिया गया और यह वजूबन हजफ है भाई। वजूबन क्यों हजफ है, कहते हैं इसलिए क्योंकि हमने आज तक किसी फसीह अरब से नहीं सुना कि उन्होंने उतरुक के लफ्ज को जिक्र किया हो, वो हमेशा क्या जिक्र करते हैं इमराउं व नफसन जिक्र करते हैं, यानी फेल को जिक्र नहीं करते, यानी इस आदमी और उसकी जान को छोड़ दो यानी जाने दो, यानी किसी को आप नसीहत कर रहे हैं वो बात मानता ही नहीं है तो आपका साथी आपको कहता है इमराउं व नफसा, ये आदमी और इसकी जान को छोड़ दो, यानी इसको नसीहत न करो, ये आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये इमरान ये देखो मफूल भी ही है, व नफसहू ये, और ये नफसहू का इस पर आतफ है, या ये वह बमाने मा के है, वो तुरुक इमरान मा नफसी ही, आदमी को उसकी जान समेत छोड़ दो भाई, यानी इसको आप मजीद नसीहत करने या समझाने की जरूरत नहीं है भाई। वंतहु खैरन लकुम, वंतहु इंतहा का माना बाज आना, रुक जाना, खैरन लकुम मकाम इस्तेशाद जो है ये खैरन लकुम है, खैरन मफूल भी ही है और इसके फेल को हजफ करना वाजिब है, और जाब्ता क्या है, जाब्ता और कानून कोई नहीं, हमने हमेशा अरबों से इसी तरह सुना है भाई। ईसाइयों का अकीदा है कि वो तीन खुदाओं को मानते हैं, एक अल्लाह ताला, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इन तीनों को वो कहते हैं ये तीन खुदा हैं और ये तीन हकीकत में एक ही हैं, ये तीन एक हैं और एक तीन हैं, या जबकि बाज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जगह हज़रत मरियम को साथ मिलाते हैं कि ये उनके तीन खुदा हैं भाई। तो ये तीन को एक कहते हैं और एक को तीन कहते हैं, और खुद इकरार भी करते हैं कि ये हमारे मजहब का एक ऐसा राज है जो खुद हमें भी आज तक समझ में नहीं आया, जबकि इसके मुकाबले में इस्लाम की तालीमात बड़ी सीधी सादी हैं कि अल्लाह एक है भाई। तो इस्लाम की तालीमात और अकीदा तौहीद बड़ा सीधा सादा और वाज़ह है भाई। तो यहां पर क्या है, वंतहू यानी ईसाइयों को खिताब किया जा रहा है, ए ईसाइयों तुम बाज आ जाओ, आई वन तहू आनी तसलीसी, किस चीज से बाज आ जाओ, अकीदा तसलीस से, वो जो तुम कहते हो कि तीन खुदा हैं और वो तीन दरअसल एक हैं, तो वो जो अकीदा तसलीस है उससे तुम बाज आ जाओ, और खैरन लकुम आई उकसुदू खैरन लकुम, और तुम इरादा करो खैरन लकुम वो चीज जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उकसुदू फेल वो जमीर इसके अंदर फाइल और खैरन लकुम उसके लिए मफूल भी ही है, और इसके फेल उकसुदू को हजफ करना वाजिब है, और क्यों वाजिब है, कोई जाब्ता नहीं, कोई कानून नहीं, हमने अरबों से हमेशा इसी तरह सुना है, कभी उन्होंने ये खैरन के लिए फेल को जिक्र नहीं किया, मालूम हुआ इस फेल का हजफ वाजिब है। वंतहू और तुम लोग बाज आ जाओ यानी अकीदा तसलीस से, और खैरन लकुम आई उकसुदू खैरन लकुम, और तुम लोग इरादा करो खैरन लकुम उस चीज का जो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम उस चीज का इरादा करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी तौहीद का इरादा करो, तौहीद की तरफ आ जाओ भाई। तो अब देखो आप कहेंगे भाई ये खैरन लकुम के लिए फेल महजूफ निकाला, इसको इसी इंतहू फेल अमर के लिए मफूल बना देते, तो जवाब ये कि इंतहु फेले लाजिम है भाई, इसके लिए मफूल आता ही नहीं, ये खैरन को नसब दे ही नहीं सकता, चुनाचे आगे देख लें आई इंतहु आनी तसलीसी, शरह जामी तफसील कर रहे हैं तो इंतहु के लिए तसलीस लाए तो दरमियान में आन का इजाफा कर दिया, देखो हरफे जर का, उसके बगैर यह अमल नहीं करता मफूल बिही में, इंतहु आनी तसलीसी तुम लोग तसलीस से बाज आ जाओ, तो इंतहू फेल लाजिम है, यह मफूल बिही को नसब नहीं देता, लिहाजा खैरन के लिए एक अलग फेल निकालना पड़ेगा, और नीज अगर यह इंतहू नसब देता भी तो भी खैरन को इसके लिए मफूल बनाते तो फिर तो माना ही खराब हो जाता, फिर तो माना यूं बन जाता इंतहू खैरन लकुम, तुम लोग बाज आ जाओ उस चीज से जो तुम्हारे लिए बेहतर है,
मालूम हो जो चीज बेहतर है उससे उनको रोका जा रहा है, फिर तो माना ही खराब हो जाएगा भाई। लिहाजा खैरन लकुम के लिए फेल महजूफ निकालेंगे। ऐ इन तहु आनी तसलीसी, यानी तुम लोग अकीदे तसलीस से बाज आ जाओ। वक्सुदू खैरन लकुम, और तुम इरादा करो उस चीज का जो तुम्हारे लिए बेहतर है। वह हुआ तौहीद, और वो अकीदे तौहीद है भाई। व अहलन व सहलन, जी ये अहलन व सहलन अरब कहते हैं जब भी कोई मेहमान वगैरह कोई आता है तो क्या कहते हैं, अहलन व सहलन भाई। जैसे उर्दू में खुश आमदेद वगैरह खैर मकदमी कलिमात कहे जाते हैं, अब ये अहलन व सहलन ये मनसूब है। क्यों मनसूब है, आज आपको पता चल गया कि ये मनसूब है बिना बर मफूल बिही होने के, और इनके फेल को हजफ करना वाजिब है भाई। क्यों वाजिब है, जाब्ता क्या है, कहते हैं कोई जाब्ता नहीं, ये सिमा पर मौकूफ हैं। अरबों से हमने इसी तरह सुना है, आज तक हमने किसी फसीह अरब से नहीं सुना कि उसने इनके लिए फेल को जिक्र किया हो। तो अहलन व सहलन ऐ अतैता अहलन भाई, याद रखो अहल का माना है, अहल का एक माना है जो अपने हो, जो अपने हो, तो ये इसके मुकाबले में आएगा जो जो अजानिब हैं यानी अजनबी हैं, कुछ अपने हैं और कुछ अजानिब। तो कभी अहल का लफ्ज अपनों के लिए यानी रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अहले बैत, अहले बैत का क्या माना, घर वाले। तो अहल का लफ्ज, अहल का लफ्ज रिश्तेदारों और अपनों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरह अहल मस्तर भी है जिसका माना है आबाद होना, आबाद होना। तो दोनों के एतबार से शरह जामी माना करेंगे कि अगर अहल जो है ये मस्दर लिया मुराद लिया जाए तो फिर अहल और मस्दर का क्या माना था, अहल का आबाद होना, किसी जगह का आबाद होना जहां आबादी हो, वीराना ना हो भाई, तो आबाद होना अहल ये मस्दर है। तो फिर ये अहल बमाने माहूल के होगा, जैसे खल्क बमाने मखलूक के है, तो ये अहल का क्या माना, माहूल यानी वो जगह जो आबाद है भाई, वो जगह जो अब मकानन माहूलन, वो जगह जो माहूल है यानी आबाद है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं ऐ अतैता अहलन, देखा अतैता फेल महजूफ है, उसने अहलन को नसब दिया है। अतैता अहलन ऐ मकानन माहूलन मामूरन, यानी आप आए हैं ऐसी जगह पर माहूलन जो आबाद है, मामूरन, मामूर का माना भी आबाद, ऐसी जगह पर जो आबाद है, मामूर है। ला खराबन, वीराने में आप नहीं आए, मेहमान आया है उसको क्या कहते हैं, आप आबाद जगह पर आए हैं, वीराने में नहीं, यानी यहां आपको किसी किस्म की वहशत महसूस नहीं होगी। औ अहलन ला अजानिबा, या आप अपने रिश्तेदारों में अपनों में आए हैं, ला अजानिबा गैरों में और अजनबियों में नहीं आए। वह वतीता सहलन, वतीआ यताऊ के माने हैं रोंदना। वह वतीता सहलन, और आपने नरम जमीन को रोंदा है, यानी ये नरम जगह है, यहां आपको किसी किस्म की सख्ती और मुश्किल पेश नहीं आएगी। वह वतीता सहलन, वतीआ यताऊ बाबे समिया से है। वह वतीता सहलन, और आपने नरम जमीन को रौंदा है, मिनल बिलादी शहरों में से, ला हजनन सख्त जमीन को नहीं। अतैता अहलम व वतीता सहलन, यानी आप अपनों में आए हैं, यहां आपको कोई बेगानगी और वहशत महसूस नहीं होगी, और नीज आपने नरम जमीन को रौंदा है, यानी यहां आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। हजन कहते हैं सख्त जमीन को भाई। तो वतीता सहलम मिनल बिलादी ला हजनन, आपने शहरों में से नरम जमीन को रौंदा है, यानी नरम जगह पर आए हैं, नरम जमीन पर आए हैं, ला हजनन सख्त जमीन पर नहीं आए, तो यहां आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।